Okay, so hello learners, welcome back to this very brand new lesson. And this is sir, I know this is a part two, right? This is the aapke part two and part second of जो आपके विजन आई एस की जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स चल रहे सर एंड मैम, एंड दीज आर दी आपके हाई यील्ड लेक्चर्स हैं. व्हाट दीज आर दी आपके हाई यील्ड लेक्चर्स. पार्ट फर्स्ट इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द चैनल. इसी के पहले जस्ट हमने अपलोड किया था पार्ट फर्स्ट, लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. पूरे प्लेलिस्ट को देखना इज अ कंपल्शन, राइट? कंपल्सरी हो देखना है आपको. जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मोर मिनट और हम स्टार्ट करते हैं हमारा. सेकंड चीज है, आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है. क्या बोल रहा हूं मैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है. अभी भी लेट नहीं हो, कवर कर सकते हैं, ठीक है? एक बार जाए देखिए जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, एंड एग्जाम बहुत पास आ गया, बहुत ज्यादा पास एग्जाम. एंड आपको बेसिकली इट्स अ हाई टाइम, सब कुछ छोड़ छुड़ा करके लग जाओ बस, ठीक है? एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने कहा था, पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है करंट अफेयर्स को लेकर के, पूरी जिम्मेदारी मैंने ली. 2023 के सारे करंट अफेयर्स कवर करा चुका हूँ जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, नो कॉम्प्रोमाइज. अलोंग विद हमने जब बात की थी शॉर्ट नोट्स की, तो ये जितने भी यहाँ पर करा रहा हूँ ना, सबके शॉर्ट नोट्स आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन द चैनल, आई मीन ऑन द टेलीग्राम चैनल, राइट? सो यू कैन गो एंड डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर लो एंड प्रिंट आउट लेकर के पढ़ो, है ना? क्या दिक्कत है, पढ़िए भाई. तो ये भाई ऐसा टाइम है सर एंड मैम जहां पर आपको आपके सारे मटेरियल कंसोलिडेट करके रख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर ना बड़ा जो है आपको इधर से पढ़ लें उधर से पढ़ लिए सब रहेगा, ऐसा नहीं करना है सर एंड मैम. मार्केट बहुत कुछ ऑफर करेगा यहाँ पर, लेकिन आपको एक ही जगह फोकस रखना है जहां पर आपने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं. स्टार्ट करते हैं, होगी ज्ञान वाली बातें, है ना? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सर एंड मैम, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो बात करते हैं, चल रहा है, राइट? ओके, तो पुलिसिंग पावर टू द सीएपीएफ, तो इसका एग्जाम भी होता है, होता है कि नहीं होता है? तो सीएपीएफ बेसिकली सर मैम आर्टिकल 131 के अंदर क्या किया है कि पंजाब ने एक सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट कि भाई ये जो जो ऑपरेशनल ज्यूरिसडिक्शन होता है बीएसएफ का, ठीक है, उसको इंक्रीज कर दिया था. यानी कि कुछ नहीं, बीएसएफ के अंदर और चीजें डाल दो, और चीजें डाल दी जाए, है ना? जैसे सीएपीएफ के अंदर आने वाली चीजें और डाल दो भाई, बीएसएफ भी कर, है ना? तो वो क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए सीएपीएफ में कम पर्सोनल्स हैं तो बीएसएफ कर लेगा. तो बस ये सब चीजें हैं. बीएसएफ कहां पर है आपकी? सिंपल है, जो आपकी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो सारी को आपकी बीएसएफ करती है कि नहीं करती? बिल्कुल. आगे बढ़े, देखिए बात करते हैं कि जो पंजाब ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाली थी बीएसएफ एक्ट को लेकर के, ये सेक्शन 139 था, याद करने की जरूरत बेसिकली नहीं है, बट आइडिया ले लो एक, राइट? तो टू बेसिकली बीएसएफ को लेकर के यहाँ पर बात हम करते हैं. ओके, सो इसने बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड आपका आसाम में, ठीक है? ये कहा गया कि 15 किलोमीटर तक ही नहीं, 50 किलोमीटर तक, है ना? लेकिन गुजरात में रिड्यूस कर दिया 80 किलोमीटर से 50, यानी कि इट्स बेसिकली द पैरिटी ले आएगी. क्या लिया? पैरिटी लेकर के आगे बेसिकली, तो 50 किलोमीटर लिमिट बना दी, विच इज ऑलरेडी प्लेस इन राजस्थान, ठीक है? ओके, क्लियर? अब सुप्रीम कोर्ट इसको असेस करेगी कि भाई लोकल लिमिट्स तो नहीं बेसिकली सरपास हो रही है ना, तो उसको बेसिकली, तो अभी देखेंगे वो क्या आता है. इट विल ऑल्सो कंसिडर द फैक्टर दैट शुड इन्फ्लुएंस डिमार्केशन ऑफ द बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन. छोड़ो सब, लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ को लेकर के. तो डेलीगेशन ऑफ पुलिस पावर जो बीएसएफ को दी जाती है वो 1969 में आपके बीएसएफ एक्ट के थ्रू हुई, है ना? जो बीएसएफ एक्ट 1968 है उसके अंदर हो गया, विद सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट बीन ऑफिशियली नोटिफाइड इन द 1973 एंड आपका 2014. ये हम बीएसएफ की बात कर रहे हैं. उसके अलावा सशस्त्र सीमा बल जो आपके एसएसबी है, उनको इंडो नेपाल बॉर्डर पे लगा दिया, है ना? उनको इंडो नेपाल बॉर्डर पे लगा दिया एंड उनकी जो अथॉरिटी बेसिकली दी है आपके सीपीसी के अंदर है. क्या बोला मैंने? सीआरपीसी के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर. तो बेसिकली अब यहाँ पर कानून अलग हो गया ना, इनका ज्यूरिसडिक्शन भी अलग हो गया, समझ गया? तो ये स्टेप लेने के पीछे का मोटिव क्या है? सिंपल है, सिंपल है भाई, यूनिफॉर्म ज्यूरिसडिक्शन. हमको हमारा ज्यूरिसडिक्शन यूनिफॉर्म करना है भाई, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कानून में चल रहा है, कोई तीसरे कानून में चल रहा है, ना ऐसा नहीं होना सकता. तो दूसरी बात है ऑपरेशनल नेसेसिटी एंड पॉलिसिंग जो एफिशिएंसीज होती है, जैसे इलीगल एंट्री करा दी, है ना, पासपोर्ट एक्ट के थ्रू, ये बहुत सारी चीजें होती है. उसके अलावा एड्रेसिंग द इवॉल्विंग चैलेंजेस एंड द चेंजिंग डायनेमिक्स, तो कानून के अंदर भी बदलाव लाने के लिए इसलिए इन्होंने ये चेंज कर दिया. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोएक्टिव एक्शन हो सकता है, चैलेंजेस क्या है फिर भी इसको लेकर के. तो मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर टू द सीएपीएफ, तो दीज आर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. क्या आपके ये बीएसएफ वगैरह जो है वो आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर ही आते हैं, समझ गए आप? तो बस इसी को लेकर के है. तो फेडरलिज्म कंसर्न आते हैं ना कि भाई स्टेट सब्जेक्ट लो एंड ऑर्डर, तो आप केंद्र कैसे कर दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, है ना? तो वो सब चीजें नेक्स्ट बात है, लेकिन सीएपीएफ तो केंद्र में आती है. तो इस तरीके से, तो जैसे मान लीजिए, देखिए बहुत बहुत आसान है, मान लीजिए 15 किलोमीटर से बढ़ा करके ज्यूरिसडिक्शन कर दिया 50 किलोमीटर, तो अभी इनके बीच का कितना टाइम, कितना बचा? 35 किलोमीटर ना. तो यहाँ पे स्टेट पुलिस करती करती नहीं करती, एंड स्टेट किसका पार्ट है? स्टेट का, लॉ एंड ऑर्डर का,
वहां पर केंद्र नहीं आता फिर, लेकिन अब 15 से बढ़ा करके 50 कर दी, अब 50 किलोमीटर तक कौन करेगा भाई, केंद्र करेगा, है ना। तो ऐसे समझने होती है चीज, समझ गए, इजी है, इजी एकदम इजी है ना। तो रिलैक्स हो जाओ एकदम, एंड भाई मेरे से पढ़ रहे हो ना आप, तो भाई आपको रिलैक्स माइंड से सुनते चलो बस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इम्पैक्ट ऑन द बीएसएफ का जो कोर फंक्शन है, विच इज आपका बॉर्डर सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा ही, उसको पुलिस एक फंक्शन दे दोगे, इन्वेस्टिगेशन डाल दी, चले मान लीजिए, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। उसके अलावा रिस्क ऑफ टर्फ वॉर्स, ठीक है, टर्फ वॉर कुछ नहीं है, जो इंटरनली जैसे मान लीजिए स्टेट पुलिस है और बीएसएफ है, उनके बीच में ही अलग ही किस्से चल रहे हैं कि भाई ये मेरी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, है ना, वो सब चीजें, ह्यूमन राइट वॉलेशन अप्रिहेंशन भी हो सकता है। बीएसएफ बेसिकली इट्स बेसिकली सीएपीएफ है, तो इनके पास हक ज्यादा होते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टेट पुलिस, व्हेन इट कम्स टू आपके सिक्योरिटी वगैरह, ये सब तो आर्बिट्रेरी यूज का डर बना रहता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग है ना, हमको करना चाहिए जॉइंट इनिशिएटिव फॉर इनहांस प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें तो रेजुविनेशन ना फेडरलिज्म कम्युनिकेशन चैनल लेकर के आना जरूरी है, आप पढ़ लो, यहाँ पर बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या किया, सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन ने अथॉरिटी बढ़ा दी टू प्रिवेंट द ऑफेंसेस अंडर द मल्टीपल एक्ट्स, ठीक है। तो ये जितने भी एक्ट हमने यहाँ पे बात करी उसको लेकर के, जैसे आपके क्रिम सीआरपीसी, पासपोर्ट एक्ट है ना, ये सब चीजें। नेक्स्ट करते हैं, जो इसका लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था है ना, उसको एक्सपेंशन कर लो कर दिया, तो इट डज नॉट एक्सटेंड टू द आर्म्स एक्ट, कस्टम एक्ट भी नहीं है, नार्कोटिक्स एक्ट भी नहीं है, ठीक है। नो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, डज नॉट कन्फर बेसिकली कन्फर द इन्वेस्टिगेटिव पावर टू अपॉन द बीएसएफ, वो अभी भी स्टेट के पास ही है, तो ये सब चीजें हैं। तो उसके बाद और क्या देखें, आर्टिकल 131 इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था आर्टिकल आर्टिकल्स की लिस्ट बना लेना, 2023 जनवरी से लेकर के सारे लेक्चर आपने मेरे देखे होंगे, नहीं देखे तो अब देख लो, अब भी टाइम है आपके पास, 2 या 3 घंटे, 3 × 12 कर लीजिए, कितना होता है बताइए, 12 × 12 = 36, 36 घंटों में कंप्लीट कर लोगे आप, समझ गया आप। तो मैं बता रहा हूँ 3 घंटे एवरेज लेकर के, 2.5 घंटे के भी है ना, 2.25 घंटे के भी है, एंड उसके अंदर कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है, तो 36 से कम ही बैठेगा, राइट, ओके। सो कर लो यार, अभी भी टाइम है आपके पास, है ना, दिन में आप 5 घंटे भी देंगे इसको, राइट, तो दिन में 2 भी निपटाएंगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से, इस तरीके से सोचा करें कि भाई अब मेरे पास कितना टाइम बचा है, हाउ आई कैन यूज इन ऑप्टिमली, राइट। तो ऐसे तो हिचकिचाना, एंक्शियस नहीं होना, समझ गए। तो इट रिफर्स टू द आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, की गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स के बीच में दिक्कत हो गई है ना, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली, कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अपने आप वहां पर रहता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, बॉर्डर स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक, कल्चरल, लॉ इन्फोर्समेंट, डिप्लोमेटिक, ये सब चीजें। तो बीएसएफ वही सिंपल बात है, हम पहले देख चुके हैं, हालांकि तो छोटी छोटी बातें बताया ना अभी, ठीक है। तो आपके 1965 में बनी थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनी थी ऑफ इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी जो चीजें है ना, जैसे क्रिमिनल कोड, पासपोर्ट एक्ट, ये सब चीजें, तो ये इसको देखते हैं, राइट। एंड इट इज वन ऑफ द 7 आपके जो सीएपीएफ हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। सीएपीएफ क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 7 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर आता है ट्विस्ट, यहाँ पर आता है ट्विस्ट, ये मैंने पहले बहुत बार बता दिया। तो आसाम राइफल जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव तो मिनिस्ट्री ऑफ एचए के अंदर आती है होम अफेयर्स के लिए, लेकिन इसके जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ना वो आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो इनके तो आसाम राइफल को लेकर के बड़ा ही टसल रहता है किन किन के बीच में, आपका एमएचए के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, समझ गए। तो इसके स्पेसिफिक रोल की जब हम बात करते हैं, तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है सिंपल, है ना, सीएपीएफ में। तो जैसे आपके आसाम राइफल है, बीएसएफ है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी जो कि चाइना के बॉर्डर पे, सशस्त्र सीमा बल नेपाल की बॉर्डर पे है ना, तो ऐसे ठीक है, ये सब इसके अंदर बता दिया। स्पेशल टास्क फोर्स जो कि आपके जैसे एनएसजी होते हैं, ठीक है, ये भी सी के अंदर आते हैं आपके, तो ये कमांडो ट्रेंड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में तो आपके सीआईएसएफ आते हैं, जैसे आपके वाइटल इंस्टॉलेशन जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए है ना, एयरपोर्ट्स हो गए, तो वहां पर ये लगते हैं। उसके अलावा सीआरपीएफ, तो दीज आर बेसिकली सिविल जो पावर होते हैं, सीआरपीएफ हैंडल करते हैं मैटर रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी, समझ गए। तो इस तरीके से ये होती है। तो सीएपीएफ में बॉर्डर गार्डिंग ये है, स्पेशल ऑपरेशंस में एनएसजी है, इंटरनल सिक्योरिटी में सीआईएसएफ सीआरपीएफ है, एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द आपके सीएपीएफ, ठीक है, क्लियर है ना, बस बता दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके बावजूद, ठीक है, हो ही नहीं सकता अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप छूटे, राइट। ओके, आगे देखें। अब इसरो ने क्या, जीएस पार्शियल इंटेलिजेंस, बेसिकली इसरो ने क्या किया है कि आने वाले 5 साल में 50 सैटेलाइट छोड़ेंगे जो कि इंटेलिजेंस गैदर करेगी, ठीक है। तो इट्स बेसिकली लेयर ऑफ सैटेलाइट रहेंगी जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में जाकर के फिर वो कलेक्ट करेंगे जितनी भी सब चीजें रहती है। तो एआई रिलेटेड डाटा ड्रिवन अप्रोच इसके अंदर रहेगा। जीएस पार्शियल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है,
ना स्टार बना दिया मैंने, देख लेना। तो बेसिकली इट्स एन इंटेलिजेंस डिसिप्लिन दैट एनालिसिस जियो स्पाशियल डाटा, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसको विजुअली डिपिक्ट कर सके, है ना। कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिक, भाई सिंपल चीज है कि भाई ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू नजर रखनी है, तो वो इस तरीके से होगी, ठीक है। अभी यूएस इस जगह पर काफी सालों से होती हुई आ रही है, अभी इंडिया में भी बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसको हम जो है और बड़े लेवल पे करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेजरी इस्तेमाल करता है सर्वे के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी, फिजिकल ज्योग्राफी, एनिवेयर द अर्थ, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो डाटा वगैरह इनको इंटीग्रेट करता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट, मोबाइल सेंसर्स, इन सबका तरीके से। फिर इमेजेस जो होती है, रियल इमेजेस, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो रियल टाइम मैप सिमुलेशन ये सब इसमें रहता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो इंडिया के इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर को बढ़ाएगा, सिचुएशनल अवेयरनेस को जनरेट करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं ये सब चीज। तो उसी के साथ ही आपके जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, कोस्टल सर्विलांस, उसको स्ट्रेंथन कर देगा। एंड कोई भी डिसरप्टिव, कोई भी मान लीजिए पोटेंशियल इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट आ गया तो उसको प्रिवेंट कर देगा, टारगेट करेगा, एंड टारगेटिंग एंड बैटल द डैमेज असेसमेंट होता है उन सबको लेकर के। तो न्यू इमर्जिंग थ्रेट्स को टैकल कर देगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, मिलिट्री एंड सिविल, इसके अलावा ऑपरेशनल सपोर्ट, जो दूसरे किसी मान लीजिए कोई एक्टिविटी में हो गया है ना, तो उसको लेकर के। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस ये भी एक्सपैंड करेगा, तो उसको लेकर के ये है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो जियो स्पाशल डाटा वही सिंपल चीज है, ठीक है। तो इससे बेसिकली जियो, बेसिकली जियो जियो इंटेलिजेंस है ये, ठीक है। तो इट्स इंफॉर्मेशन की लेयर्स, वेयर एम आई, वेयर आर द फ्रेंडलीज एनिमीज, देयर में वेयर दे मूव, ठीक है। तो इस तरीके के, ये अभी से नहीं काफी टाइम से हो रहा है, इंडिया में भी हुआ था, रिमेम्बर हमने बात करी थी उरी अटैक्स, तो मैपिंग, उसके अलावा बालाकोट स्ट्राइक है, तो कहां से निकालते हैं, यहीं से तो निकालते हैं। तो ये ज्यादा आपके जियो स्पाशल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंडिया ने क्या क्या है जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को लेकर किया, तो हमने अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, इसका एग्जांपल है EOS-07। उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन, कौन सा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड, जैसे इसरो है, नेशनल सेंटर फॉर, बेसिकली इसका यूनिट है ये, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक, इसी का, ठीक है। उसके अलावा जियो स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नाविक, विच इज आपका, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेशनल नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भुवन पोर्टल, नेशनल जियो स्पाशियल पॉलिसी, ठीक है। तो ये सब लेकर के आए हम इसी के लिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सर मैम। ड्रोन एंड सिक्योरिटी फिर से बता दूं, मैं अभी खबर नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी बता दूं इंपॉर्टेंट है। तो अडानी डिफेंस एंड एयरफोर्स, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दृष्टि 10, क्या बोला मैंने, दृष्टि 10, तो इट्स आपके बेसिकली UAV, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए ये आपके है, ठीक है। तो हैदराबाद से पोरबंदर में इसका रहा, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेवी का फर्स्ट इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी है, ठीक है। तो बस इसी चीज को लेकर के ये है। एंड या तो इसकी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है ये, मेल ओके मेल यूएवी है ये। रोल क्या रहता है डिफेंस में, तो सिंपल है, सर्विलियंस इंटेलिजेंस, ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन करने और रिप्लेसिंग मैंड एयर क्राफ्ट, उसके अलावा मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सर्वेज ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर, यूज ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीजें इसमें करते हैं। कंसर्न क्या है, विद थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को, जैसे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है। अभी थोड़े दिन पहले देखा गया कि चाइना का एक जो हॉट एयर बलून होते हैं उसमें ना ड्रोन पाया गया था, तो वो यूएस के एयर स्पेस में देखा गया है ना, तो इन्होंने शॉट डाउन कर दिया उसको। तो इस तरीके से होती है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्पाइंग करना, ठीक है। शॉर्टेजेस ऑफ स्कोर इन स्केल्स इन द ड्रोन इकोसिस्टम, उसके अलावा GPS डिनाइड इन्वायरमेंट्स है ना, तो या उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ ड्रोन बैटरीज, एथिकल एंड मॉरल कंसर्न्स, तो यहीं से। तो इंडिया में बेसिकली कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, तो हमने एक्वाजिशन ऑफ द फॉरेन ड्रोन्स, यहाँ पर हमने इसकी बात करी है ना, मेल यूएवी, तो ये भी हमने बेसिकली लेकर के आया ना। हेरोन, अगर हम बात करें एरोन मार्क 2 ड्रोन्स, ये बेसिकली बेसिकली हमने ये क्या किए हैं, यूएस एंड इसराइल से ही क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट कराते हैं। सर्चर मार्क 2 ड्रोन्स, ठीक है, ये भी इसराइल का ही है, ये भी इसराइल से हमने खरीदा है। उसके अलावा ड्रोन डिटेक्ट डिटेक्ट अडेटर डिस्ट्रॉयर D4 सिस्टम, उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिजीनियस यूएवी जो हमने बेसिकली बनाए खुद से। तो इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जो ड्रोन रेगुलेशन, तो नेशनल काउंटर रॉक ड्रोन गाइडलाइन 2019 में आई थी, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन निकाली थी। तो भाई सिंपल है कि ड्रोन थ्रेट को लेकर के, उसके अलावा ड्रोन रूल्स आए थे, तो अभी बेसिकली कहीं पर ड्रोन उड़ता हुआ आपको दिखे तो जोन्स में बटे हुए हैं, तो रेड जोन्स जो है वहां पर नो गो जोन्स, यानी कि आप वहां पर परमिशन नहीं है, ठीक है। तो वहां से आपको बेसिकली लोकल थाना से ये सब लेना पड़ता है। तो जोन्स होते हैं अलग अलग तरीके से, ग्रीन येलो एंड रेड, तो रेड में अलाउड नहीं है, ग्रीन और येलो में थोड़ी सी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इंडिजीनियस ड्रोन्स की अगर हम बात करें, तो DRDO का लक्ष्य, DRDO निशांत, रुस्तम 1, तपस जिसको रुस्तम 2 बोला गया, एंड आर्चर, तो बस इतना ही याद रखना है,
क्या बोला मैंने, बस इतना ही याद रखना है सर, इनके नाम याद रख लीजिए बस। तो मोस्टली ये शॉर्ट रेंज रिमोटली पायलटेड ही होते हैं। क्या बोला मैंने, शॉर्ट रेंज। तो ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली गुजरात सीआईडी ने की, एंड कि भाई पॉसिबल इमिग्रेशन का थ्रेट हो सकता है, कहां से निकारगुआ बाउंड प्लेन था जिसमें इंडियंस थे, फ्रांस में उसको उतारा। तो इस तरीके से तो इलीगल माइग्रेशन क्या होता है सबको पता है, क्या होता है यार सबको पता है। तो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर इलीगल माइग्रेंट को बेसिकली बताया विदाउट वैलिड पासपोर्ट है, पासपोर्ट है लेकिन ट्रेवल डॉक्यूमेंट रिमेंस इन इंडिया बियॉन्ड द परमिटेड टाइम लिमिट, तो वो इलीगल माइग्रेंट हो गया वगैरह। तो रीजन हो सकते हैं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पॉलिटिकल एंड जो रिलीजियस परसिक्यूशन होते हैं, ये पुल फैक्टर्स सॉरी पुश फैक्टर्स हैं। ओवर पॉपुलेशन, नेचुरल डिजास्टर, जो सोशल नेटवर्क्स हैं, इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन है ना, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिस्क ऑफ डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन। तो जैसे यूएस यूएस में, चाइना में, इंडिया में, सोशल टेंशंस, फैसिलिटेट्स आपके ऑर्गेनाइज क्राइम्स, तो क्या क्या किया गया है अभी तक। तो सुरक्षित जयन प्रशिक्षित जयन कैंपेन निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। उसके अलावा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट हमने किए, सीबीआई सीआईएम्स के कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, सब ग्लोबली तो बहुत सारी चीजें की गई है, क्या पता है ना। तो जैसे प्रोटोकॉल आया स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर, तो या ओके। तो चैलेंजेस तो है, लैक ऑफ डाटा है, पोरस बॉर्डर्स है, पुअर रेगुलेशन होते हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लीगल शॉर्टकमिंग्स है, तो ये सब चीजें हैं। तो ऑपरेशन हम बात करते हैं जब सर्वशक्ति, सर्वशक्ति तो ये 2003 में एक मिशन हुआ था ऑपरेशन सर्प विनाश। तो ये बेसिकली वो ये टेररिस्ट एंड रिपीटेड अटैक्स जो होते हैं ट्रुप्स पे उनको टारगेट करने के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो इतना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस वही सब चीजें। पीर पांजाल रेंज कि यहाँ पर हम बात करते हैं, पीर पांजाल रेंज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीर पांजाल रेंज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पीर पांजाल डेलिनेट्स कश्मीर एंड जम्मू, यहाँ सब चीजें। पीक्स तो डियो दिप्पा, इंदिरा सेन हाइएस्ट पीक्स हैं, पासेस तो है बनी हाल पास, पीर की गली, ये सब है, कश्मीर एंड जम्मू को जोड़ती है। रिवर्स तो झेलम से चिनाब तक बेसिकली है, तो रजौरी, बुदल, मूच, ये सब इंडियन साइड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पीर पांजाल रेंज को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो पता है ना यार, मैंने पढ़ा है था आपको कि भाई देखिए सबसे ये बेसिकली हिमालयंस की रेंज है, तो दीज आर आपके क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस, क्या बोलते हैं इनको बेसिकली, ट्रांस हिमालयस। फिर आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयस, फिर आते हैं मिडिल हिमालयस, फिर आते हैं शिवालिक्स। ये तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भैया, है ना। तो ये आपके बेसिकली पार्ट है सबसे पहले कि काराकोरम, फिर लद्दाख, सॉरी ये आपके जस्कर ग्रेट हिमालयन रेंज, तो ये यहाँ पर आपके लद्दाख रेंज भी आती है, फिर पीर पांजाल रेंज, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं उसके टीएसी वाले के। तो ये आके आके काराकोरम, ये आपकी लद्दाख है, फिर आपकी जस्कर लेंज है ना, तो इस तरीके से समझ गए। ओके, एक मिसाइल है यार आकाश, न्यू जनरेशन मिसाइल आकाश, तो इससे सरफेस टू एयर मिसाइल एंड रेंज इसके 80 किलोमीटर है पास। सिंपल चीज बता दूं, इतना याद रखना, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है आईएनएस इम्फाल को, विच इज अ थर्ड ऑफ द थ्री थर्ड ऑफ द फोर इंडिजीनियस विशाखापट्टनम क्लास स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सर मैम, अंडर द प्रोजेक्ट 15B। एंड ये आपके प्रोजेक्ट 15B कोलकाता क्लास है ना, 15A कोलकाता क्लास है, 15B आपके ये विशाखापट्टनम क्लास है, प्रोजेक्ट 15 आपके दिल्ली क्लास है। तो 15 15A 15B, तो ठीक है। तो इंडिजीनियसली बनाने हैं हमको ये सब चीजें, तो उसको लेकर के तो बस इतना। अब ये है सबसे जरूरी, इन पे ध्यान दीजिए ना, इन पे दीजिए ध्यान। बात करते हैं सबसे पहले आपका आता है एक्सरसाइज खंजर। बताइए नाम कितना खतरनाक है ना, खंजर, लेकिन इस नाम से पता चल जाना चाहिए इंडिया एंड किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज साइक्लोन, पहले भी देखा ना हमने, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में ये है एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट तो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड यूएई एयर, ठीक है। तो ये सब चीजें, उसके अलावा एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन अलग, डेजर्ट अलग है ना, डेजर्ट साइक्लोन अलग हुआ था ये, तो इंडिया एंड यूएई के बीच में ये है। एंड एक्सरसाइज सी ड्रैगन, तो ड्रैगन सर एंड मैम, तो इंडियन नेवी उसके अलावा किस किस के साथ होती है, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, तो इट्स बेसिकली नथिंग, क्वाड प्लस साउथ कोरिया, ठीक है। तो इट्स क्वाड प्लस साउथ कोरिया, अगर आपको पता है तो क्या बोल रहा हूँ, बोलो। मिलान एक्सरसाइज, तो बाई एनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, तो इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अंडमान निकोबार कमांड ने। चार कंट्रीज और हैं इसके, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। एक्सरसाइज अयोध्या, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अयोध्या, मेड इन बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन नेवी एंड आपके रॉयल थाई नेवी, तो थाईलैंड की है, तो इंडिया थाईलैंड का
कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग वाला प्रोग्राम है ये। ठीक है आगे बढ़े तो फिर से बता दूं मैं, खंजर साइक्लोन, डेजर्ट डेजर्ट नाइट, फिर डेजर्ट साइक्लोन, सी ड्रैगन, मिलान एंड आपके एक्स एक्स एक्साइज अयोध्या। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर एंड मैम, देख लीजिए अब हम बात करेंगे एनवायरमेंट की। ठीक है ओके ओके सो अब बात करेंगे बेसिकली एनवायरमेंट की, राइट। तो 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर हो चुका है, तो प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लेना चाहिए ना आपको फ्रॉम द फॉर द सेफर साइड, राइट ओके। सो या तो इसका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 1973 में बना था ये, सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आता है ये। और बताइए तो इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स में ये आपके लॉन्च किया गया था है ना। इन सीटू कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इन सीटू यानी कि वहां पर जाकर ना कि एक्स सीटू। ठीक है ऑब्जेक्टिव तो सिंपल पता सबको है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यूपीएससी के प्रीवियस। ये भर भर के क्वेश्चन आया भैया इससे भर भर के। तो ये कब लॉन्च हुई थी बेसिकली 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। स्टैटरी स्टेटस कब दे दिया गया इसको, 2006 में जब अमेंडमेंट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। सिंपल चार चीजें पढ़ी हैं, सिंपल सिंपल सी। फंडिंग पैटर्न की अगर बात करें 60% सेंटर देता है, 40% स्टेट रहता है, नॉन रिकरिंग आइटम्स होते हैं है ना। तो रिकरिंग में क्या होता है उसमें 50% देता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन को 90% देता है। सिंपल यार बेसिक जो होता है वही है, 60-40-90-10। तो बेसिकली अच्छा देखिए इनको मर्ज कर दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट को, तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया था बाद में। एंड फिर अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो अब ये 55 टाइगर रिजर्व्स में इंडिया के अंदर है। एंड रिसेंट की अगर हम बात करें तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ, एंड उसके अलावा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बेसिकली ये बेसिकली रिसेंट के आपके टाइगर रिजर्व हैं, तो ये हाईलाइट मैंने यहाँ पर कर दिए। ठीक है ओके। कोर बफर स्ट्रेटेजी होती है टू मैनेज द टाइगर एंड कोर एरियाज में लीगल स्टेटस दिया जाता है टू द नेशनल पार्क एंड द सेंचुरीज, पता ही आपको। फिर बफर आता है आपका, फिर पेरिफेरल एरियाज आते हैं है ना। तो इट्स बेसिकली मिक्स ऑफ अ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड्स। ठीक है इसको मल्टीपल यूज एरिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे ई बर्ड प्रोजेक्ट लेकर क्या है ना, उसमें यूएवीज का इस्तेमाल करते हैं फॉर द सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो यूएवीज है ना ये इस तरह ई बर्ड है ना स्ट्राइप्स, तो एक क्वेश्चन पूछती है ना बस। यस एनटीसीए की बात करें तो कंडक्ट असेसमेंट यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एम स्ट्राइप्स आ गया ना। तो मॉनिटरिंग सिस्टम्स ऑफ द टाइगर इंटेंसिव एंड प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल, क्योंकि प्रीवियस का क्वेश्चन तो डालना ही था वो तो उनको है ना। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो डिप्लॉयमेंट ऑफ द टाइगर इन सेवरल टाइगर रिजर्व्स टू एंटी पोचिंग ऑपरेशंस को देखने के लिए रहता है, आईएफएस देखने पर उसको ओके। तो इंडिया में कंजर्वेशन की बेसिकली दो फेजेस में हुआ था 1970s एंड 2005 से लेकर। तो चैलेंजेस क्या है बेसिकली, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है भर भर के एंड आपके फ्रेगमेंटेशन हो रही बहुत ज्यादा। ठीक है उसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, पोचिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज होती होती है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड दूसरे अगर बात करें तो इन्वेजिव प्लांट स्पीशी आ गया, जैसे लैंटाना कैमारा आया था उसने खत्म कर दी थी वहां की नस्ल। ठीक है तो वे ऐड क्या हो सकता है, तो हैबिटेशन प्रोटेक्शन करो, रिस्टोरेशन करो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी पोचिंग मेजर्स लेकर के आया जाना चाहिए, बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी सब हो, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अच्छा टाइगर व्हाइट टाइगर्स की जब बात करते हैं तो ये कोई अलग नहीं होते हैं, इट इज नॉट अ सेपरेट सब स्पीशी। ठीक है तो ये व्हाइट क्यों हो जाते हैं, व्हाइट क्यों हो जाते हैं बताइए, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव जीन्स ड्यू टू द एन एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव जीन्स, तो जेनेटिकल पंगा है और कुछ नहीं, समझ गए, कोई असल अलग नस्ल नहीं है, तो टाइगर में ही काउंट होते हैं वो। ठीक है बहुत नॉर्मल है वहां के लोगों के लिए राइट। टाइगर को लेके बात करें तो नेशनल एनिमल है, सिंपल हैबिटेट इंडिया नेशनल इंडिया नेपाल भूटान ये सब। इंडिया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन को हार्बर करते हैं। ठीक है एंड सिग्निफिकेंस तो है फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसी है ये ओके। ठीक है ये देख लो छोटी सी चीजें, तो आईयूसीएन में इंडेंजर्ड में ये आता है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन एंड शेड्यूल फोर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना तो एंट्री मत करना एग्जाम में राइट। बात करते हैं सीवेज मैनेजमेंट की इंडिया के अंदर, तो ना बड़ा खतरनाक इशू है, एक स्टोरी भी बेसिकली हमने बताई थी तो वो चैनल पे देख लेने एक बार है ना। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर थी, इन्होंने बेसिकली अभी रूल्स ऑर्डर था आपका 2016 में उसको अमेंड किया है। ठीक है तो अमेंडमेंट बेसिकली कि टू डिस्चार्ज ट्रीटेड एफ्लुएंट विद प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड इनटू द रिवर गंगा आफ्टर एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑप्शंस फॉर द डायरेक्ट रीयूज, तो जो डिस्चार्ज करते हैं ना अनट्रीटेड उसके खिलाफ ही वाला प्रोविजन आया है। तो सितंबर में हमने बात करी थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, तो आप वहां से देखना है आपको पड़ेगा ना, तो रिविजन भी करते चलो
ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन किस तरीके से करना है। सीवेज जनरेशन की बात करें इंडिया में, तो क्लास वन एंड क्लास टू सिटीज में बड़ा पंगा इसको लेकर के, बहुत खतरनाक तरीके से हम जनरेट करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो मैकेनिज्म किस तरीके से, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है ना बेसिकली आपके, तो कौन कौन से तरीके हैं तो सीवेज को ट्रीट करने के लिए, तो मैम्ब्रेन बायो रिएक्टर एक तो ये होता है। तो इसमें मेंबर जो आपके मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको बायो रिएक्टर के साथ इस्तेमाल करके वाटर को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, ठीक है, तो इसमें एरियल सॉरी एरिएटिंग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया को जो मोबिलाइज करवाते हैं, डेथ मोबिलाइज है आपके वेस्ट बैक्टीरिया से बेसिकली, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रोथ करते हैं बेसिकली, ये सब चीजें। सिक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, उसके अलावा मूविंग बैड बायोफिल्म रिएक्टर, और बायोफिल्म इज द यूपीसी का इस साल का क्वेश्चन, तो छोड़ नहीं सकते हो आप इनको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करना है, तो हमने तो वाटर को, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी बना दी। तो 74th अमेंडमेंट में क्या किया, जो अमेंडमेंट था आपके, तो वाटर सप्लाई सैनिटेशन को किसमें दे दिया, यूएलबीज में डाल दिया कि आप करो। उसके अलावा जो आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, वाटर प्रोटेक्शन है, उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स, लोकल बॉडीज को कि एसटीपी लगाओ आप अपने यहाँ, ठीक है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं सब चीजें, प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको करो। उसके अलावा अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन, अर्बनेशन, अमृत मिशन लाए, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, ये सब चीजें। चैलेंजेस तो है, लेक ऑफ कैपेसिटी है यूएलबीज में, जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज है वहां पर कैपेसिटी उतनी है नहीं। नेक्स्ट लॉप साइडेड इंप्लीमेंटेशन है बाय द स्टेट्स, एंड लेक ऑफ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंसेज हैं, लो कंप्लायंस रेट एंड लो इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो सॉल्यूशन क्या तक, किस तरीके से, तो हम मल्टीपल मॉनिटरिंग पॉइंट्स लेकर के आ सकते हैं, उसका इरिगेशन का यूटिलाइजेशन उसमें कर सकते हैं, फोकस ऑन अल्टरनेटिव यूसेज, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का प्रोग्राम ले लीजिए आप, है ना। उसके अलावा डिफाइनिंग बेटर एंड यूनिफॉर्म वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सेटिंग अप आपका अंडरग्राउंड एसटीपीज इन द लैंडस्कार्स, है ना, जैसे चाइनीज सिटीज वगैरह में करते हैं। उसके अलावा इंप्लीमेंटिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। बात करें नेक्स्ट स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स की, तो यूपीएससी में ना क्वेश्चन तो पूछा गया था इससे रिलेटेड पहले भी, राइट, तो स्टेटमेंट वाइज में आया था। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति महोदय ने कन्फर किए हैं अभी रिसेंटली, तो या तो थीम क्या था इस बार का, वेस्ट टू वेल्थ। तो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स की बात करें तो क्लीनलीनेस हाइजीन 2016 में आया था स्वच्छ भारत मिशन के साथ, सिंपल चीजें हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इसको देखती है, जो कंडक्ट कराए जाते हैं सर्वेस उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मिलती है, ठीक है। यह लाइक, तो इंदौर इज द फर्स्ट बेसिकली एंड सूरत इज द सेकेंड, जो क्लीनेस्ट सिटी बनाई गई है इस बार, रैंक वन, एंड नवी मुंबई को रैंक थ्री मिली है, नवी मुंबई को रैंक थ्री मिली, ओके। इंदौर तो भाई 7th कॉन्सिक्यूटिव, बताइए 7वीं बार 7 सालों से क्लीनेस्ट सिटी है, ओके। महाराष्ट्र वाज नेम इज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री, महाराष्ट्र, एंड मोहो ये आपके मध्य प्रदेश में, ये क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड है ये, ठीक है। वाराणसी आपके क्लीनेस्ट, गंगा टाउन है, चंडीगढ़ आपके बेस्ट सफाई सुरक्षित शहर, सफाई मित्र सुरक्षित शहर है वो। बात करते हैं आईएमडी की, तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आपका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके 150 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे रिसेंटली, तो नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सर्विसेज, उसके अलावा इंडिजीनियसली डेवलप किया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, या तो उसके अलावा पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, आईएमडी का मोबाइल ऐप भी है सर इनमें, तो जीआईएस बेस्ड इंटरेक्टिव मोबाइल ऐप है, मौसम मौसम रिलेटेड जानकारियां सुननी है तो आईएमडी का आप डाउनलोड कर लीजिए, ये सब चीजें। तो आईएमडी की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, हम पहले भी देख चुके हैं, 1875 होता है, आपके ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इट्स अ फर्स्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट जो बना था इंडिया के अंदर। तो नेशनल मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द मेटेरोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, राइट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए आता है, क्या क्या बोला मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है आपके, ओके। तो मैंडेट तो वही है यार, फोरकास्ट करें, वॉर्न करें, सीवियर अगर कोई वेदर फिनोमिना हो रहा है, मेट्रोलॉजिकल स्टेटिस्टिक्स इवेल्युएट करें, ये सब चीजें हैं। तो अचीवमेंट तो इसकी भर भर के हैं, है ना, तो एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम डेवलप करने का इनको, है ना, और वो बहुत चीज है, तो अभी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। चैलेंजेस देख लो, दो लिमिटेड वेदर मॉडल्स, लिमिटेड वेदर जो मॉडल्स है इंडिया के अंदर, तो हमने जो प्रेडिक्शन करने के लिए मॉडल्स है ना, वो सिर्फ मतलब बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है उनकी, डाटा इंटरप्रिटेशन की दिक्कत है फोरकास्टर्स वगैरह। उसके अलावा लोकलाइज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स,
ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग इसकी कमी है, तो ग्लोबल कोलाबोरेशन करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब करना चाहिए। ओके बात करें लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी सॉरी ससेप्टिबिलिटी मैप, अगर हम इसकी बात करें तो आईआईटी दिल्ली ने क्रिएट किया है। तो सिंपल सी चीज है यार, जो उन टेरेन्स में ले जाओ जहां पर इसका जो लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है ना, तो इन सब चीज को लेकर के, तो ये जो आपको रेड में दिख रहा है बेसिकली जहां पर वेरी हाई इंटेंसिटी रहती है, वो ये वो वाली जोन से जहां पर लैंडस्लाइड बहुत फ्रीक्वेंट होती है। उसके अलावा वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो एंड वेरी लो, इस तरीके से आप देख सकते। तो सिंपल है यार, ये वही फिनोमेनन सिंपल है, ग्रेविटी फोर्स करती है पुशिंग ऑन द हील्स ऑफ द टॉप, एक्सीड द फ्रिक्शन फोर्सेस एंड फिर वहां से जो मटेरियल ऊपर से नीचे आके गिरता है, वही सब चीजें हैं यार, पढ़ चुके हैं हम इसको तो काफी बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो इनिशिएटिव क्या लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, तो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो कि NDMA ने निकाली थी आपके, ठीक है। तो लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन हमने बना दिए है ना, उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर के आगे इसके लिए भी बताइए, अवेयरनेस जनरेशन, माउंटेन जोन रेगुलेशंस है ना, क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया हमने इसको लेकर के, और क्या क्या, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम 2014-15 से चलते हुआ आ रहा है, लैंडस्लाइड एटलस बना दिया गया, स्पेशली आपकी जो हिमालयन वेस्टर्न घाट सब चीज है, तो किसने बनाया था ये आपके, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो ने, क्या बोला मैंने, लैंडस्लाइड एटलस इसरो की एक आर्म है, उसने निकाला नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अच्छा एक स्कीम है, नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, एक स्कीम है पृथ्वी विज्ञान, तो किसकी है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है, ठीक है, 2021 से 26 तक है एंड 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स है इसके अंदर, तो अक्रोस, ओ स्मार्ट, पेजर, सेज एंड रीच आउट। तो सिंपल सी है बेसिकली, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि भाई जो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन हम करते हैं एटमोसफेयर, ओशियन, जियोस्फेयर है ना, तो बेसिकली अर्थ के जो सिस्टम एंड चेंजेस हो रहे हैं उसके वाइटल इंपॉर्टेंस को रिकॉलते हुए रिकॉर्ड करना है अपन को, तो ये सब चीजें मॉडल्स प्रोवाइड कर देगा, फिर वो प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल होगी ना, वेदर, ओशन, क्लाइमेट, हैज़र्ड्स, ये सब चीजें, एक्सप्लोरेशन करने में मदद करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ट्रांसलेशन ऑफ द नॉलेज, बेसिकली इट्स एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। तो बस इसमें यही सब चीजें हैं, सिग्निफिकेंस तो वही है, इंप्रूव रहे आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंसेस, ये सब चीजें, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के आ सकते हैं, बूस्ट रिसर्च करेगा अर्थ सिस्टम साइंसेस में, एड्रेस ग्रांट चैलेंजेस, कन्वर्टेड रिसर्च इनटू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये सब चीजें इसके अंदर हम करेंगे। ओके न्यूज इन शॉर्ट की बात करते थे, रिपोर्ट आई है बेसिकली, रिपोर्ट ऑन ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो किसने निकाली है, WTO ने, किसने निकाली है, सिंपल बात है, ट्रेड की बात आ चुकी है, क्लाइमेट की बात आ चुकी है, तो WTO ने निकाली होगी ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इस तरीके से देखना पड़ता है भैया, ये सब देखने पड़ते हैं। अब MCQ एप्टीट्यूड अगर आपको डेवलप करना है तो पढ़ते वक्त ही समझ लेनी चाहिए, MCQ डेवलपमेंट आप पढ़ते वक्त ही स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका, कि भाई अगर मैंने क्वेश्चन देख लिया, ये स्टेटमेंट देख लिया, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ऑप्शन किस तरीके से बनेंगे और मैं अटेम्प्ट किस तरीके से करूंगा, समझ गए, तो ऐसे हम करते हैं। इंपॉर्टेंट तो इसमें सब कुछ खास है नहीं, है ना, वही सब चीजें हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन है ना, इंपोर्ट टैरिफ कितने होंगे, ग्रीन इकोनॉमी को ज्यादा थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे है ना, एडिशनल रिसोर्सेज को अनलॉक करें, ये सब चीजें यार, वही सब बेसिक बेसिक एकदम बेसिक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम बहुत बढ़िया करा यहाँ पर, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की, तो ये बहुत ही जरूरत जरूरी आपका टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का एक मेमोरेंडम था, इन्होंने निकाला कि भाई आप है ना इन्वायरमेंट के लिए बाद में ले लेना, तो भाई इन्वायरमेंट असेसमेंट आप कर रहे हो तो पहले लिया जाता है बाद में लिया जाता है, तो भाई सिंपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टेप लेती है हर गवर्नमेंट लेती है, इसकी बात नहीं कर, हर गवर्नमेंट का ये काम होता है, तो सिंपल है, तो ये थोड़ा सा रेडिकल काम हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे ये शांत बैठ जाओ है ना, तो अभी जो है आपको पहले बेसिकली बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ इसने ऑर्डर्स निकाले थे कि भाई आप एक काम करिए, माइनिंग प्रोजेक्ट होते हैं ना वहां पर आप जो एक्सपोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ले सकते हो, समझ गए आप किसको लेकर के, आपके जो EIA है ना, तो उस चीज को लेकर के, तो सच एक्सपोस्ट फैक्टो क्लियरेंस प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट टू कैरी आउट द ऑपरेशन विदाउट गेटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ठीक है, तो ये था ये ऑर्डर्स, लेकिन अब इसको उड़ा दिया, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले लेना पड़ता था, ये ऑर्डर निकाल के लेकर आए 2021 में, तो इसने SOP बदल दिया उसके सब चीजें, तो EIA बेसिकली ये होता है कि यूज टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये आपका आता है, EIA नॉर्म्स 1994 के अंदर, तो बस ये सब चीज स्टेजेस क्या होती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग होती है पहले है ना कि वे रिक्वायर्ड है कि नहीं है, उसके अलावा स्कोपिंग होती है फिर कि वो क्या जरूरत है, किस किस लेवल तक आपको जाकर ये सब चीजें, फिर पब्लिक कंसल्टेशन होता है, ठीक है, जो वहाँ के लोकल अफेक्टेड पर्सन है उनको उनसे बातें करते हैं, एक कंसेंसस बनाया जाता है, फिर अप्रेजल, ठीक है, अप्रेजल की बात करते हैं, तो मींस डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और द स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी फॉर द एप्लीकेशन, तो समझ गए आप, एक
ये टर्म है बेसिकली, हम बात करते हैं मिगलानोसोरस। ओके ओके, मिगलानोसोरस की अगर बात करें तो इट्स अ बाइसेंटिनियल, द फर्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द डायनासोर। इसका मतलब होता है ग्रेट लिजर्ड। तो कहां पर मिली है ये बेसिकली? इसका फॉसिल आपको इंग्लैंड में मिला, राइट। अच्छा, डायनासोर से रिलेटेड एक बात है, ये कहते हैं कि बहुत रेप्टाइल्स तो पहले है, तो कहते हैं कि जो आज के बर्ड्स है ना, मॉडर्न बर्ड्स, ये उनके एंसेस्टर्स हैं। तो पहले जो डायनासोर हुआ करते थे वो आज के पंछी बन के उड़ रहे हैं, ठीक है? कितनी, मतलब समझ रहे हो आप, दिस इज नेचर, दिस इज एनवायरमेंट है ना, इससे खेलना भाई इंसान के बस की बात है नहीं। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ आपको, LDG, पता है क्या होता है ये? इट्स बेसिकली आपका लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। तो इससे आपको पता ही समझ में आ गया होगा, ग्रेडियंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप अभी कहाँ पर है, इक्वेटर, ठीक है? तो एंड इक्वेटर से अगर आप पोल्स की तरफ जाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री, ये पोल्स है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जब जाते हैं तो स्पीशीज में कमी आ जाती है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो जाती है। लेकिन आप जब पोल से इस इधर आते हैं इक्वेटर की तरफ, तो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। आ गया सिंपल सब। तो स्टडी हुई थी इनको, इन चीज दो तीन चार चीजों को लेकर के, तो माइक्रोजियल फंजाई को लेकर के, एंड जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप के बेसिस पे काम करता है। उसके अलावा आपके आरब्यूजुलर आरब्यूस्कुलर फंजाई एंड आपके एक्टोमाइकोरोजियल फंजाई, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंजाई, तो याद रखिएगा। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, तो डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए, राइट? तो ग्रीन फ्यूल्स और इन सब चीज को लेकर, तो इंडिया ने यूएस के साथ भी किया हुआ है, तो हमने सऊदी के साथ किया है हाइड्रोजन को लेकर के, क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं, इसमें 24 में भी आएगा क्या? आ सकता है, क्या दिक्कत है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, क्वाड का जो क्लाइमेट ग्रुप, वर्किंग ग्रुप फॉर क्लीन एनर्जी, उसको लेकर एक इनिशिएटिव आया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेकर के आई थी, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 2019 में आया था, 5 साल इसको हो गए, ठीक है, 131 सिटीज में ये बेसिकली स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया, 24 स्टेट्स में। तो इसने क्या किया, जो आपके नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड थे उसको थोड़ा सा एक्सीड कर दिया, उसके ऊपर ये बेसिकली चीज लेकर के आया गया था, ठीक है? तो 2025-26 तक ये रहेगा, एंड 40% ऑफ द PM10 एंड PM2.5 को कंसंट्रेशन करने की बात यहाँ पर करी है। प्राण प्राण बेसिकली पोर्टल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, NSE। तो NCAP की पूरे लास्ट 5 ईयर्स में तो काफी कुछ रही है, तो PM2.5 का इम्प्रूवमेंट देखा गया है ना? तो ये सब चीजें हैं। दूसरे स्टेप्स क्या लिए, तो नेशनल लैंप बनाया, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम, उसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, BS4 से BS6 तक जाकर डायरेक्ट चले गए, तो जितनी भी गाड़ी आएंगी यहाँ, सब सब में BS6 का इंजन होगा। उसके अलावा फेम लेकर के आया था, फेम के बाद में तो कितना पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, ये एक रिपोर्ट पढ़ लो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे निकालता है बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इतना ही आकर। अच्छा, एक न्यूज है ये, लेकिन पूरी नहीं पढ़ेंगे हम। ग्लोबल ओशियन हीट कंटेंट, तो देखा गया है कि बेसिकली डबल्ड हो चुका है और ट्रिपल हो चुका है सिंस 1980s। अब क्या होता है ये, तो सिंपल है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जर्व की जाती है बाय एंड स्टोर्ड इन द ओशन। देखिए, बहुत सारा CO2 रिलीज करते हैं हम, है ना, और उसके अलावा जो सोलर रेडिएशन वगैरह आते हैं, जो हीट आती है सन से डायरेक्ट, तो वो कहाँ पे जाती है? हमारी धरती तो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? तो वो ओशन ही करते हैं, इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जितने छोड़ देंगे ना, उधर छूट जाएगी भैया। अच्छा, अच्छी ओके। अच्छा, देखिए, तो हीट स्टोर्ड इन द ओशन इज मेजरमेंट ऑफ द वाटर टेम्परेचर, रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ द हीट इन द वाटर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड लोकेशन। तो इसको बोलते हैं, इसको जूल्स में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, विच इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वाटर इज हाइयर हीट कैपेसिटी देन द एयर, डेफिनेटली सबको पता है, विच मीन्स दैट इट कैन स्टोर मच लार्जर अमाउंट ऑफ द हीट, ठीक है? इसलिए तो बोला था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके जमीन में दफना दो या समुद्र में दफना दो, तो वही से ही करते हैं। कैसे करेंगे तो बताइए, है ना? तो रोल ऑफ ओशन हीट कंटेंट की बात करता हूँ, अफेक्ट्स द अर्थ एनर्जी वाटर कार्बन साइकिल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज है। उसके अलावा बहुत सारे इंटेंसिफाई स्टॉर्म्स कर सकते हैं, ये डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं कोरल्स को अपन की, राइट? बस ये सब चीजें। एक नई स्पीशी देखी गई है आपकी, ये नाम है उसका, सॉरी फॉर दिस, ओके, ये इसका नाम है, ये आपके एक नई बटरफ्लाई की
क्या स्पीशी है। और बटरफ्लाई से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कितना ही मानो चाहे मत मानो, लेकिन बटरफ्लाई से क्वेश्चन आता है, हर साल आ रहा है ना। कर्नाटका में आपको देखने को हिमालयन वुल्फ को लेकर के सबसे पहली बार IUCN का असेसमेंट आया है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है इसका, देखा जा रहा है इंडिया में 378 अगर हम बात करें, टोटल पॉपुलेशन इसकी इतनी है, इतनी राइट। तो मेजर थ्रेट है डिप्रेडेशन, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है डिप्रेडेशन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हैबिटेट लॉस वगैरह मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं, हाइब्रिडेशन विद द डॉग्स एंड इलीगल हंटिंग। तो अगर हम इसकी बात इनकी बात इसकी बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, नेपाल इंडिया तिब्बतन प्लेट्यू में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो IUCN इसका स्टेटस है वुलनरेबल, शेड्यूल वन में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, साइट्स में आपका अपेंडिक्स वन में। नेक्स्ट बात करें टिब्बटियन ब्राउन बियर की, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली देखा गया है रेयर टिब्बटियन ब्राउन बियर, ठीक है, सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया में ये नेचुरली मिलता है, तो नेचुरली नहीं मिलता है, बट यह भी देखा गया है हमको, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन में है, साइंस के अपेंडिक्स वन में। अच्छा, ये कि बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है, वल्चर रिस्टोर में, सॉरी वल्चर रेस्टोरेंट। बेसिकली बेसिकली इनमें क्या हो, ये जो आपके वल्चर होते हैं ना, तो झारखंड में बेसिकली ये स्टार्ट किए गए हैं। तो बेसिकली ये ऐसी जगह है, खाली जगह होती है जहां पर नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट एंड कारकासेस इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्यों जरूरी है वल्चर्स को बचाना? आप कहते हैं ये तो बड़ा खतरनाक दिखते हैं, है ना, हमको तो इनसे डर लगता है, उड़ा दो इन्हें, मार दो, ऐसा ना, ना ऐसा नहीं होता सर मैम। दीज आर दी स्केवेंजर्स ऑफ द नेचर, क्या बोल रहा हूँ, स्केवेंजर्स ऑफ द नेचर, जो मर जाते हैं, डेड मीट, जो डेड प्राणी होते हैं, जैसे मान लीजिए जंगल में कोई मर गया, कोई जानवर मर गया है ना, तो वहां से बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, ये सब तो उनको खाते ही है, कौन ही खाते हैं, तो उसको सफाई करते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट की है, समझ गए। ओके, तो इस तरीके से, तो डाइक्लोफेनेक बेसिकली इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता था, जिसको वेटरनरी प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली जैसे ये इंजेक्शन है, कुछ ड्रग समझ लो, ड्रग है ये, तो किसी जानवर में लगा दिया, वो मरता है, उनको ये खाते हैं, तो सरन मैम, तो ये बहुत टॉक्सिक हुआ है वल्चर्स के लिए, इनके हार्ट फेल्यूअर, किडनी फेल्यूअर हो चुके हैं उसको लेकर के, समझ गए। तो ये सब चीजें हैं, तो हर स्पीशी को बचाने का धर्म है बेसिकली, वो सब चीजें हैं। तो शेड्यूल वन में आता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। ओके, तो डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया था वेटरनरी रूल्स, उसके अलावा कैटोप्रोफेन एंड एक्लो एसिलोफेनेक, तो ये सब चीजें हैं। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजोर हरियाणा में बनाया। इन अगर हम बात करें तो कौन कौन सी स्पीशी वगैरह सब चीजें हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, इस देख रहे हैं एक बार इसको। तो व्हाइट रम्ड वल्चर ये इंडिया में देखने को मिलेगा आपको, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। उसके अलावा स्लैंडर बिलीड वल्चर है, इंडियन वल्चर, मतलब तो ये सारे अभी क्रिटिकल इंडेंजर्ड ही है। उसके अलावा रेड हेडेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर, खतरनाक दिखता है ये ना, तो ये नियर थ्रेटन्ड है, ये तो बहुत खतरनाक परिस्थिति है। आपके सिनेरियस वल्चर, हिमालयन ग्रीफोन, ये भी नियर थ्रेटन्ड है। इजिप्शियन वल्चर ये इंडेंजर्ड है, ग्रीफन वल्चर ये भी इंडेंजर्ड है आपके, सॉरी लीस्ट कंसर्न, ये लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो ओके, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट जब कंपेयर करते हैं, हालांकि समझ लो ना। यूरेशियन ऑटर की बात करें तो ये कहाँ पर देखा गया है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। तो इसको लूट्रा लूट्रा बोलते हैं, तो शायद नॉक्टर्नल गुड स्विमर एंड फिश कैचर, तो यूरेशियन ऑटर है ये, क्या बोलते हैं, यूरेशियन ऑटर, सेमी एक्वाटिक लिव्स इन वाटर बॉडीज, मार्शेस, स्वैम्प, फॉरेस्ट, कोस्टल एरिया, यूरोप, एशिया, ये ठीक है, वहां पर देखने को आपको मिलते हैं। आई नियर थ्रेटन्ड है, शेड्यूल वन अपेंडिक्स वन में ये आता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएस, अब आप सोचोगे कहाँ से भाई, देखिए ये वर्ड दिख रहा है आपको, सिवेट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, मतलब लास्ट एग्जाम में। तो बेसिकली ये दो न्यू मैमेलियन स्पीशीज हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑटर की, ठीक है। तो एक तो आपकी ये है, देखिए मैं बताता हूँ बेसिकली क्या ये, देखिए मैं बताता हूँ अभी, हम यहाँ बेसिकली सर्च करके देख लेते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये है बेसिकली सिविट, क्या बोला मैंने, ये है आपके सिविट। तो यूपीएससी में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बस इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आए, स्पीशी पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ गूगल मारो, सीधा गूगल मारो ना, गूगल मारिए, है ना। अगर अब दूसरी बात करें स्मॉल क्लॉड ऑटर, तो ऑटर क्या होता है, ऑटर भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ऑटर भी यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ऑटर क्या होते हैं देखिए, दीज आर दी ऑफ, ये जो दिख रहे हैं ये बेसिकली हम चंबल में भी आपको देखने को मिलेंगे, मैंने कई बार देखे हैं, ठीक है, हम चंबल किनारे रहते हैं भैया, है ना। तो बस सर एंड मैम ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़े, तो इनके स्टेटस देखते हैं, अपेंडिक्स थर्ड में ही है, साइड्स में एंड या तो, और स्मॉल क्लॉड
ऑर्डर की अगर हम बात करें तो IUCN में वुलनरेबल पे है, अपेंडिक्स वन साइट्स में है, ठीक है। तो ये सब चीजें। अच्छा बात करें, यहाँ पर आपको दो स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो फिश देखने को मिलेगी। क्या बोला मैंने? मॉस्किटो फिश, ठीक है। तो ये इनके नाम है, ये देख लेना आप। तो ये दोनों बहुत ही डेट्रीमेंटल इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, समझ गए? तो ये इन्वेजिव स्पीशीज है। तो जैसे मान लीजिए, या ये हम ही ने खुद ने इंट्रोड्यूस किया था आंध्र प्रदेश उड़ीसा पंजाब में कि भाई मॉस्किटो का आतंक बहुत बढ़ चुका है, तो फिर इनको लेकर के आ जाओ भैया, तो मॉस्किटो भाग जाएगी उससे। तो इनवेजिव एलियन स्पीशीज इस तरीके से होती है, इनका इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली कोई नेचुरल कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे पर्टिकुलरली, और वो दूसरे कोई तरीके से हो सकता, तो उसका उसका सिंपल चीज है यार, उसका इन्वेजिव स्पीशीज लिया, वो खा जाएगी उसको, है ना। लेकिन ये बहुत बार तो है ना बड़ी दिक्कत दे जाती है ये सब चीजें। तो इम्पैक्ट तो बहुत खतरनाक होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, फूड सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, तो वही सब चीजें हैं, समझ गए आप? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरिल आइलैंड्स की, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त आपकी एक लोकेशन है, कहाँ पर है क्यूरिल आइलैंड? कि भाई यहाँ पर एक कर्तव्य को एक देखा गया, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो क्यूरिल आइलैंड्स बेसिकली बेसिकली द आर्किपेलागो, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये आपके कमचटका पेनिनसुला कहाँ पर है? आपके रशिया में, टू होकाइडो आइलैंड जापान, वहां पर ये स्प्रेड है, एंड ये सेपरेट करता है आपका सी ऑफ ओकोट्स्क फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। यहाँ पर देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो बेसिकली यहाँ पर छोटे 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 आइलैंड्स की लाइन है, ये बेसिकली ग्रुप है। तो इट्स अ क्यूरिल आइलैंड्स, ठीक है। तो ये जापान एंड रशिया के बीच में है, एंड सी ऑफ ओकोट्स्क को पैसिफिक से अलग करता है, पैसिफिक ये रहा, सी ऑफ ओकोट्स्क ये रहा, समझ गए? सिंपल। तो रशिया एंड जापान दोनों से ऑलरेडी करते हैं कि चार इसके जो आइलैंड्स हैं, है ना, नॉर्थन टेरिटरी जापान की और साउथ क्यूरिल से आपकी जो रशिया में। तो ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे आपका कमचटका पेनिनसुला है, इधर ये होकाइडो आइलैंड है, ठीक है। तो ये आसपास की भी देख लेना, कुनाशीर, होबामाई, ठीक है, यहाँ पर आपको संकलाइन आइलैंड देखने को मिलेगा, ये सब चीजें हैं। ओके, बात करते हैं वेलिंगटन आइलैंड, ये कहाँ पर है? वेलिंगटन ये कहीं कहीं ना बाहर होगा ना, ना ना बाहर नहीं है, ये कोची में देखने को मिला आपको। तो इट्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड आइलैंड है इन द कंट्री, ठीक है। एंड 1933 में बनाया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। तो जब वेम्बनाड लैक खोदी जा रही थी उस टाइम पे बना था, बस इतना याद रखो। बेसिकली अभी कहाँ पर? आपके यूएस के अटलांटिक कोस्ट पर डीप सी कोरल रीफ्स देखने को मिले, ठीक है। तो अंडर वाटर मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये देखने को मिला कि 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक आपको कोरल रीफ देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, कोरल रीफ्स जो होती हैं, बहुत ध्यान समझना, कोरल रीफ्स जो होती है इनको सनलाइट की जरूरत होती है कि नहीं होती है? सनलाइट की जरूरत होती है कि नहीं होती है? पढ़ा है आपने ये, बल्कि इनकी जो कंडीशन होती है पढ़ा है ना आपने, एक एक पर्टिकुलर लेवल तक, सर्टन लेवल तक टेम्परेचर चाहिए, सर्टिक पर्टिकुलर लेवल तक सैलिनिटी होनी चाहिए, है ना। कोस्ट से कितनी दूरी है इसकी, फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आपका जो एनवायरमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से ये होगा, ये देखिए, तो यहाँ पर सनलाइट तो पेनेट्रेट नहीं करती है, तो मोर ऑफ द ओशन फ्लोर इज कवर्ड बाय द डीप सी रीफ्स, है ना, एंड देन द ट्रॉपिकल रीफ्स विच आर फाउंड 0-30 मीटर डीप विद द लाइट पेनेट्रेशन। इसकी हम बात करते हैं, तो जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, द बिगेस्ट ट्रॉपिकल कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। अब सर मैम, ऐसा कहा जाता है कि भाई समुद्र किनारे इतने स्पीशी हैं अभी तो, जो कि एक्सप्लोर ही नहीं की गई, जितनी जितनी स्पीशी अभी तक एक्सप्लोर कर ली गई ना, उसके मल्टीपल टाइम, 100 और 100 मल्टीपल टाइम्स, उतनी स्पीशीज तो अभी डिस्कवर की ही नहीं गई है। कहाँ पर नहीं की गई है? डीप सी में, अमेजन फॉरेस्ट के जो बेसिकली जो घने जंगल है अमेजोन के, वहां पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो अच्छा, इस पे देखते हैं अपन। तो ओके, जैसे हम इसकी बात करते हैं, डीप सी कोरल्स आर कॉलोनीज ऑफ स्मॉल एनिमल्स, कॉमन स्केलेटन ग्रो इनटू मेनी शेप्स एंड कलर्स, प्रोवाइडेड हैबिटेट टू दी, जो डिफरेंस होती है। तो दीज आते हैं आपके इनवर्टेब्रेट एनिमल्स होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ कलरफुल एनिमल, जिनको नाइडेरिया उनको बोलते हैं। तो हम पॉलिप्स जो होते हैं, ये आपके थाउजेंड ऑफ टाइनीज पोश, ये बेसिकली कॉलोनीज होती हैं, पॉलिप्स में रहते हैं। तो मैराइन एनिमल्स हैं विद हार्डेस्ट एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, गल्फ ऑफ कच्च में मिलते हैं हमारे यहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड आपके मालवन महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट तो है इनकी प्रोवाइड, ये बेसिकली जॉब करते हैं लोकल लोकल कम्युनिटीज को, जॉब प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कोस्ट लाइन को फ्रॉम इरोजन, स्टॉर्म्स, ये सब चीजें हैं यार, है ना। सिंपल डीप सी कोरल्स, शेलो वाटर कोरल्स क्या डिफरेंस है? तो ये व्हाइट होते हैं, ये ब्राउन एंड ग्रीन होते हैं कोरल्स, ठीक है, एलगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अब एक ये सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हैज रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम 6 to 4। अब कौन कौन से शेड्यूल्स हैं वो देख लेते हैं अपन। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। अब देख लीजिए बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्टार,
क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके, पहले भी पूछे गए हैं। तो इस शेड्यूल, जैसे मैंने अभी अभी कहा था ना ऊपर की ऑटर्स ये किस शेड्यूल में आते हैं, ये किस शेड्यूल में आते हैं, टाइगर्स किस में आते हैं, तो पढ़ लो ना। तो शेड्यूल वन में क्या आता है, आपके एनिमल स्पीशीज आती हैं जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, राइट। उसी तरीके से शेड्यूल थ्री, यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज आती है। तो शेड्यूल वन एनिमल्स के लिए है, शेड्यूल थ्री प्लांट्स के लिए है। तो शेड्यूल वन में क्या है बेसिकली, जैसे आपके उस शेड्यूल टू देखते हैं अपन, तो एनिमल विद अ लेजर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सिंपल। शेड्यूल वन में क्या, एनिमल विद द हाईएस्ट लेवल। शेड्यूल टू में क्या, एनिमल विद द लेजर लेवल। शेड्यूल थ्री में प्लांट स्पीशीज आती है। शेड्यूल फोर में क्या आता है, अब देखना, शेड्यूल फोर में आते हैं स्पेसिमेन लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर द कन्वर्साइट्स, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके, क्या बोला मैंने, यहाँ पर आपके आएंगे स्पेसिमेन, जो कि साइट्स के लिस्ट में मेंशन है अपेंडिस में, जैसे आपके रिवर डॉल्फिन, स्पाइडर मंकीज, है ना। शेड्यूल वन में क्या आता है आपके, ब्लैक बक, स्लोथ बियर, चीता, स्वैम्प डियर, ये सब चीजें हैं। शेड्यूल टू में क्या आएंगे, लेजर लेजर प्रोटेक्शन चाहिए एनिमल्स को, तो नील गाई, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, अंडमान बुलबुल। शेड्यूल थ्री प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, नील कुरुंजी, पिचर प्लांट, ट्री टर्मरिक, ये सब चीजें हैं। समझ गए, आ गया ना समझ में, बस ऐसे ही। एक टर्म है बेसिकली वेज बैंक इकोसिस्टम, ये प्रपोज किया गया था बेसिकली, ये जो ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नहीं है। तो बेसिकली कहाँ तक ये एक्सपेंड है, तो साउथ ऑफ कैप कॉमोरिन से लेकर के कन्याकुमारी तक ये है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये है, वो कुछ नहीं, एक्सप्लोरेशन करने में काम आते हैं। कूनो नेशनल पार्क की बात करने कर चुके हैं वैसे तो नामीबियन चीता यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया प्रोजेक्ट, चीटा चीटा नहीं चीता, ठीक है। तो ट्रांसलोकेट किया गया है एंड गिव बर्थ टू द फोर कप्स। तो कोनो नेशनल पार्क की बात, तो मध्य प्रदेश में विंध्यस हिमाचल विंध्यस हिल्स पर ये है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, कोनो रिवर यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको कोनो पार्क बोलते हैं, है कि नहीं है इसलिए। एंड मेनली डोमिनेटेड बाय आपके करदाई, सलाई, खायर एंड ट्रीज एंड वास्ट ग्रासलैंड्स एंड फोना, आपके स्पॉटेड डियर, चौसिंगा, नीलगाय, ब्लैक बक, ओके, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग्स एंड धोले। समझ के खत्म, यहाँ पर आपके खत्म हो चुका है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सोशल इश्यूज को लेकर के। तो बेसिकली बहुत ही, जो अगर हम बात माने सर एंड मैम, तो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट निकाल करके लेके जाएंगे, बस। सोशलिज्म इन इंडिया इज द फर्स्ट टॉपिक, तो ये तो बेसिकली पूछेंगे नहीं। तो चीफ मिनिस्टर जो थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के, कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दे दिया गया है बेसिकली, पोस्ट में इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो रिलेटेड बहुत जरूरी है, राइट। वो तुमको तो जरूर पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी के लिए करोगे तो इट्स नॉट वेरी सो सो मच इम्पोर्टेंट, राइट। सोशलिज्म की बात करें, पता है आपको दो टाइप्स होती है, रिवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी, हालांकि बहुत तरीके से होती है सर मैम, है ना। तो मार्क्सियन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, ये बहुत सारे तरीके की होती है। तो आचार्य नारायण देव अगर हम बात करें, तो उन्होंने मोटिवेट किया था कर्पूरी ठाकुर को टू ज्वाइन द सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। तो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरीके से ये सब चीजें हुई, पता ही है आपको, तैयारी सब चीजें, क्या बताओ, बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सबको पता है आपको, बेसिक है, एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट की हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने की कहा कि भाई ये बहुत स्लो पेस से तैयारी हो रही है, इसकी बहुत स्लो पेस से चल रही है ये। तो इसका एम क्या था कि भाई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आपके विलेजेस हैं विद मोर देन 500 ट्राइबल पॉपुलेशन एंड 50% और मोर देन एसटी जो पर्सन है वहां पर, ठीक है। सर रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ दी स्पेशल सेंट्रल स्कीम जो हुई थी, सब स्कीम जो थी 2017 में आई थी है। तो विलेज डेवलपमेंट होगा इसके अंदर, तो जितने भी सेंट्रल स्कीम्स के बेनिफिट होते हैं उनको मैक्सिमाइज करें शेड्यूल पॉपुलेशन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइटर, जैसे हेल्थ एजुकेशन में बढ़ाने की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये इसकी कर्ता धर्ता है, ठीक है। तो बस ये चैलेंजेस क्या है बेसिकली, तो डिले इन एलोकेशन ऑफ द फंड्स, लैक ऑफ फिक्स्ड टाइम लिमिट, लो रेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द विलेज डेवलपमेंट प्लान्स, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइन जो कि एसओपीज होती हैं, लैक ऑफ स्पेसिफाइड डाटा, तो ये सब चीजें हैं, राइट। बात करते हैं तो जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी कहां पर देखने को दिखा आपको, बेसिकली एक हैंडबुक है ये, तो हर हर वक्त हर समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो तो कोई ऐसी न्यूज है नहीं आज की, बड़ा पुराना ये चलता हुआ आ रहा है, ओके। तो हैंडबुक ऑफ फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आई, बेसिकली पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंसेस, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि भाई नीड क्या है बेसिकली इसको का, तो वाइड प्रिवेलेंस हो रखा है इसका, बहुत सेंसिटिव इश्यू है, चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इससे बढ़ते हैं। कमिटमेंट कर रखे हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जैसे कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन वुमेन एंड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, है ना। एसडीजी 5 को बेसिकली हम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर थीम 9, वुमेन फ्रेंडली विलेजेस, ये सब बनाने की बात की गई है। तो वुमेन्स का रोल किस तरीके से पीआरआईज में है,
तो क्या पढ़ोगे आप जाकर के, कितना परसेंट रिजर्वेशन रमेश को दे रखा है ना। ओके, ये बहुत जरूरी है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई, ये आते हैं क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स सही है, तो इनके बारे में देख लो। तो एनएचआरसी जो है आपके, उन्होंने कहा है कि भैया स्ट्रेसेस ऑन द नीड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जो आपके इडेटे, अगर मैं प्रोनाउंस से करवा तो आपके इडेटे जो कमीशन रिपोर्ट है, तो इदाते कमीशन, तो नेशनल कमी हम पढ़ लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर आपके डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक, तो ये सब चीज था। तो आपके बीकू रामजी इदाते, ओके, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंदर 2014 में आई थी। तो इन्होंने स्टेट वाइज लिस्ट निकाली थी इनकी, तो डीएनटी क्या होते हैं ये सब पढ़ लो। तो ये ऐसी कम्युनिटीज होती है नोटिफाइड एज द क्रिमिनल्स अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बाय द ब्रिटिशर्स, तो ये वो होते हैं। दे वर फोर्सिबली एलिनेटेड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड हैबिटेशन थ्रू आउट द सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन। तो ये एक एक्ट वॉज रिपील्ड बाई द इंडियन गवर्नमेंट इन 1952 एंड इनको डीएनटी मान लिया गया था। चैलेंजेस तो बहुत है कि कोई भी सेंट्रल लिस्ट में इन कम्युनिटीज के नाम नहीं है, नाइदर दे आर रिकॉग्नाइज अ सेपरेट ग्रुप ऑल्सो, ठीक है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, तो समझ गए आप। सो दे आर मोस्टली आउटसाइड द परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर इनिशिएटिव्स, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब नहीं। तो वेलफेयर इनिशिएटिव क्या लेकर के आए, तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज बनाए गए, फिर आपके सीडी स्कीम आई, ठीक है, सब चीज को लेकर के। तो एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए एक परमानेंट कमीशन इन लोगों के लिए, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हालांकि। लेकिन आई सजेस्ट कि भाई जो ऑलरेडी कमीशन बने हुए हैं ना, उसके अंदर एक कम से कम डिपार्टमेंट बना दो, है ना, तो वो सब चीजें हैं एटलीस्ट, वो तो करना ही चाहिए। एस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्ड सर्वे ऑफ द फैमिलीज, उसके अलावा इनमें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज होती हैं, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन दी एससी एसटी, तो एटलीस्ट इनको ओबीसी में बेसिकली डाल देना चाहिए, तो वो सब चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक की बात कर लें, साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं समझ में। तो एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट की यहाँ पर बात करें, तो इसरो बोल रहा हूँ, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट बाय PSLV C58। तो क्या होता है बेसिकली, तो जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन एंड एक्सरे पोलरीमीटर। तो जैसे नॉर्मल लाइट होती है वो अनपोलराइज लाइट होती है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विच वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू दी ईच अदर, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये पोलराइज लाइट्स हैं, ये आपको पोलराइज फील्ड, ये पोलराइज लाइट्स हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है कि नहीं है, ठीक है, ये पोलराइजिंग ये आपके फिल्टर है, इसके बाद किस तरीके से इम्पैक्ट होता है वो अभी यहाँ पे हम देखेंगे। तो लाइट वेव्स दैट ट्रेवल इन अ सिंगल प्लेन आर कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट वेव्स, समझ गए, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज लाइट इंटू अ पोलराइज लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन, समझ गया कि भाई अनपोलराइज लाइट है जो कि नॉर्मल लाइट जो होती है उसको आप पोलराइज करना है हमको, तो उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, राइट, ओके। सो दिस कैन बी अचीव थ्रू स्कैटरिंग करा दो, रिफ्लेक्शन करा दो, रिफ्रैक्शन करा दो, और पोलराइज्ड फील्ड जो पोलराइजिंग फिल्टर होता है जैसे आपको यहाँ पर इस टाइम पे दिख रहा है ये, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, देखिए तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, एक्सरे पॉलीमेट्री बोलते हैं, पॉलरीमेट्री इसको हम बोलते हैं। तो एक्सरे आर के हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबको इसको पता है। तो इसमें एक एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होता है, जो कि हर बेसिकली हर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपोसिट क्या है, जैसे एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट आपकी सब फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो के द्वारा भेजी गई फॉर एक्सरे एमिशन को लेकर के, उसको मेजर करेंगे। फिर सेकेंड सैटेलाइट इन द वर्ल्ड टू स्टडी द एक्सरे जो पोलराइजेशन होता है, समझ गए, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, ओके। पेलोड्स आपको पता है क्या होता है, तो पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट इसके आपके पेलोड्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड एडवांस डाटा कलेक्शन एक्सरे पॉलीमेट्री को लेकर के, उसके अलावा केमिकल कंपोजिशन जो सेलेस्टियल बॉडीज में होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, सिंपल चीजें हैं ये सब इसमें है। सॉरी, बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, बड़ा हुआ है भाई इसको चीज को लेकर के। तो रशिया ने एक्सटेंड कर दिया है इसका क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम विद नासा ट्रांसपोर्टिंग जो एस्ट्रोनॉट है टू द आईएसएस अंटिल दी 2025 तक, यानी तब तक तो कोई दिक्कत अब इसमें आनी है नहीं। तो इशू क्या, तो बेसिकली बात यह है कि जो क्रॉस फ्लाइट्स होती हैं हैव एक्सटेंडेड टू मेंटेन द रिलायबिलिटी ऑफ द आईएसएस ऑपरेशन एंड विल बी कैरीड आउट इन इंडियन एंड यूएस स्पेसक्राफ्ट्स, ठीक है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जाते हैं ना, तो वो यूएस रशिया दोनों इस तरीके से भेजते हैं।
तो इसमें एक रशियन कॉस्मोनॉट तो जरूर जाता है, बेसिकली कोई भी अमेरिकन क्रू अगर उसके साथ होगा, तो इसी के साथ अगर रशियन क्रू जाएगा तो उसमें एक अमेरिकन होगा। तो इस तरीके से होते हैं भैया सब चीजें, क्योंकि इसमें अकेले रशिया का तो हक नहीं है ना, रशिया, यूएसए है ना, फ्रांस, इन सब का इसमें पार्ट है। तो की फैक्ट्स अगर हम देखें तो 5 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि अर्थ को ये हर 90 मिनट में एक बार चक्कर लगा देता है, समझ गए? ओके, तो जैसे आप धरती से अगर इसको देखोगे, जैसे आपके मान लीजिए सर के ऊपर से निकल रहा है ना, तो पलक झपकते ही आपके क्रॉस कर जाएगा पूरे एरिया, आपके पूरे शहर को, राइट? ओके, वेट्स ऑलमोस्ट 500 टन्स, कवर एज बिग एज जो एक फुटबॉल पिच होती है ना, पूरा फुटबॉल ग्राउंड होता है उसके बराबर का, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी है इन ऑर्बिट, कंटिन्यूसली इनहेबिटेड फॉर मोर देन 20 ईयर्स, सन 2000 में इसको लगा ना, क्योंकि ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन इतना है, छोड़ो ये छोड़ो। तो आईएसएस की बात करते हैं, हैबिटेबल आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, मतलब इसके अंदर रहते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पे जाकर के मिशन जो होते हैं वहां पर रहते हैं, फिर कुछ 6 महीने, कोई 12 महीने, इस तरीके से। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो यूरोपियन कंट्रीज की बात, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूएसए, जापान, कनाडा एंड रशिया, समझ गए ये सब। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इसका जो 1998 में, यानी कि एक साथ नहीं गया, पहले एक कॉम्पोनेंट गया फिर दूसरा कॉम्पोनेंट गया, तो इस तरीके से। और अब न्यू मॉड्यूल्स एड कर रहे हैं हम यहाँ पर रिसेंटली 2021 से, ठीक है। तो 2030 तक तो ये कम से ना कम रहेगा आपके, उसके बाद फिर देखते हैं। सिग्निफिकेंस तो रिसर्च एंड साइंस, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ह्यूमन हेल्थ, लो अर्थ ऑर्बिट की इकोनॉमी, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट एंड ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, यानी कि रहने की जगह हो जाती है। तो अदर स्पेस स्टेशन कौन कौन से, तो रशिया का सल्यूट 1 है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस स्टेशन है, लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन 1971 में, ठीक है। तो उसके बाद सल्यूट 2, सल्यूट 3, मीर, ये सब रशिया के ही है। चाइना ने तियांगोंग 1 2011 में ये लगाया, फिर तियांगोंग 2, फिर आपके अगर हम बात करें तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2022 में, 2021 में लॉन्च किया था। यूएसए का स्काई लैब है, ये यूएसए का फर्स्ट स्पेस स्टेशन है, 1973 में लेकर आया गया था। अच्छा एक बात बताऊं, जब स्पेस रेस चल रही थी ना, स्पेस रेस जैसे आम रेस चल रही है ना, है ना, उस तरीके से, फिर स्पेस रेस चली थी, तो सब में हमेशा रशिया ही फर्स्ट आया, हमेशा रशिया ही जीता है, चाहे जितनी भी हो। हाँ, मून पे उतारने में सबसे पहले यूएसए है, तो सबसे पहला एस्ट्रोनॉट जो था वो यूएस का, नील आर्मस्ट्रांग। हालांकि हालांकि मैं फिर बता दूं, बहुत से लोग ना बोलते हैं, जैसे उस मिशन पे जो एस्ट्रोनॉट थे, या फिर उस मिशन में जो पार्टिसिपेंट थे, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि कभी कोई मून की लैंडिंग भी हुई है, मून पे कभी लैंडिंग भी हुई है। अब आई डोंट नो भाई क्या ये सब मैटर है, अब ये बहुत हाई लेवल मैटर्स है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। नासा का आर्टिमिस बेस कैंप भी मून सरफेस पे बनाया गया है, इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे यूवीस पे काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा ये बेसिकली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंडिया का ओन स्पेस स्टेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2035 तक हम ये बना लेंगे, कब, 2035 तक। तो इसरो तैयारी तो कर रहा है, टेस्ट भी कर चुके हैं हम इसका, ठीक है, एंड अभी ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा, देखना इसका मतलब मिशन जो है, इसके टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फर्स्ट मॉड्यूल हम 2028 तक भेजेंगे, तब 2028 तक। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ताकि डिपेंड तो नहीं होना पड़ेगा। अच्छा एक टर्म बेसिकली यहाँ पर सामने आया, गोल्डी लॉक जोन्स। तो गोल्डी लॉक जोन्स कौन से होते हैं, दीज आर द हैबिटेबल जोन्स इन द एरिया और अराउंड द स्टार वेर इट इट इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड एंड वहाँ पर फॉर द लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द सराउंडिंग प्लेनेट। तो मून वगैरह के लिए बोलते हैं, मून, मार्स। अच्छा नेशनल क्वांटम मिशन की बात करते हैं, कि पहली गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई अभी, तो बस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आती है ये, एक बार देख लेना, एंड इसके बारे में हम पहले देख चुके, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ही आते हैं। तो नेशनल क्वांटम मिशन हम 2023 से लेकर के 2031 तक का ये बहुत ही फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, समझ गए? तो R&D हम इसके अंदर करेंगे इस क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग पावर, मैग्नेटो मेट्री एंड एटॉमिक क्लॉक्स जो होती है, क्वांटम मटेरियल डिजाइन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। थीमेटिक लैब्स भी बनाई जाएगी इसके अंदर, जैसे आपके क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग, मटेरियल डिवाइसेस, ये सब। सो क्वांटम इज बेसिकली द फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं, तो बस ये सब चीजें हैं। तो जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन, सुपर पोजिशन, इनसे की बात करते हैं। तो इंटेंगलमेंट एंड सुपर इम्पोजिशन क्या होती है, इंटेंगलमेंट इज अ फिजिकल फिनोमिना वेयर जहां पर दो या दो से ज्यादा क्वांटम सिस्टम्स आर शेयर बाय स्पेशल कोरिलेशन एंड मेजरिंग वन विद इंस्टेंटली डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द अदर, ठीक है। सुपर पोजिशन क्या होती है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांटम सिस्टम विच वेयर पार्टिकल एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली, इंस्टेड टू जस्ट वन डेफिनेट।
सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? तो सिंपल है, ग्लोबल लीडरशिप, R&D वो सिक्योर करेंगे, कम्युनिकेशन पावरफुल, कंप्यूटिंग प्रिसिशन रहेगा, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस पुअर एक्सपेंडिचर, लेक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होती नहीं, IPR के इश्यूज रहते हैं हमेशा, रेगुलेटरी लैंडस्केप, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स रहते हैं, क्या करें, अट्रैक्ट करना चाहिए उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेकर क्या है, प्रमोट करें रीजनल ट्रांसफर, ये सब चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बारे में तो कितनी बार बता दिया हमने, है ना। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट है, ठीक है। ओके, तो क्लॉस श्वाब, तो ये द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन्होंने सबसे पहले ये इसका टर्म का बेसिकली क्या 2016 में इस टर्म को लेकर के आया गया था, ठीक है। तो फोर्थ इसका मतलब होता है डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सब चीजें, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सब बेसिकली इसको है, बस इतना ही है इसमें तो, और कुछ ऐसा नहीं। तो फर्स्ट मॉडल मैकेनाइजेशन वाटर पावर स्कीम, सेकंड मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड कंप्यूटर ऑटोमेशन, फोर्थ आपका साइबर फिजिकल, ये सब चीजें जो सिस्टम्स होते हैं जो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या क्या अभी तक किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये स्किप नहीं करा रहा हूँ, बेसिकली ये सब रिपीटेशन है या फिर बहुत बेसिक है, फॉर टू सो मच बेसिक टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, बहुत बेसिक चीजें एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हमको। तो मेजर्स कौन कौन से लिया था, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने बनाया यहाँ पर, है ना, महाराष्ट्र में। उसके अलावा सॉरी, आपने जो नीति आयोग है उसने कोऑर्डिनेट किया, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन 4.0 लेकर के आए हम अलॉन्ग विद यूनिसेफ, ठीक है। तो फर्स्ट हेल्थ केयर हमने, कैंसर केयर, ये सब ऑन द लाइन ऑफ फर्स्ट हेल्थ केयर ये बनाया। उसके अलावा हम समर्थ लेकर के आए, ठीक है, स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, उद्योग भारत 4.0, इससे इनिशिएटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ठीक है। लिथियम की बात करें, हालांकि पहले देख चुके हैं लिथियम, या सो इंडिया एंड अर्जेंटीना ने प्रोजेक्ट साइन किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट, कहाँ पर होंगे वो अर्जेंटीना में हम करेंगे। तो इंडिया की जो काबिल है एंड कैमियान है, स्टेट ओन्ड माइनिंग एंड एनर्जी कंपनी है ये, सॉरी ये अर्जेंटीना की है कैमियान, एंड खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल इंडिया की है, समझ गए, ये सब चीजें हैं। तो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन तो ये सब इसमें देखेंगे। तो लिथियम क्या होता है, इट्स अ वाइट गोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वाइट गोल्ड, बहुत इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हैं वाइट गोल्ड इसको बोलते हैं। लिथियम इज अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कली मेटल एंड हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द ऑल मेटल्स, ये बहुत जरूरी है। लिथियम से क्वेश्चन आएगा भाई, लिख लो, आज मैं बोल रहा हूँ लिख लो, ये लिथियम से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, नोट्स बना लो इसके, बार बार रिवाइज करना हो जाएगा, ठीक है। तो लिथियम एटम इज मेड अप ऑफ मेड इनटू द अलॉयज विद द एल्यूमिनियम से करा दो, मैग्नीशियम से करा दो, इसकी स्ट्रेंथ को आप इंप्रूव कर सकते हैं मैग्नेम लाइट हार्नेसिंग कैसे करें। तो लिथियम साइट्स कैन बी शोन इन दी आपके, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखें इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड एंड आपके अरुणाचल, यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लिथियम डज नॉट अकर एज अ मेटल इन नेचर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बट इट इज फाउंड कंबाइंड इन स्मॉल अमाउंट्स नियरली ऑल द इग्नियस रॉक्स। अब ये बहुत जरूरी चीज है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है, ठीक है, वो इग्नियस में नहीं मिलते, लेकिन ये इग्नियस में मिलता है ना। एंड इन द वॉटर्स ऑफ मेनी मिनरल्स स्प्रिंग्स, जैसे आपके स्पोडियोमिन, पैटेलाइट, लिपोडोलाइट एंड एम्बिलोगोनाइट आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स कंटेनिंग द लिथियम, इसके अंदर लिथियम निकलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने फोड़ा और लिथियम, अरे बाप रे लिथियम निकल गया, ऐसा नहीं है, उसके अंदर से कुछ चीजें निकलेगी, है ना, रॉक्स निकलेंगे, इग्नियस रॉक, तो उसके अंदर फिर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर लिथियम मिलता है, आपको समझ गया आप, ऐसे होता है, मतलब मेटल्स होते हैं फिर ये मिलता है। तो इट्स प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, उससे मतलब, तो मोस्ट लिथियम जो है इज करंटली प्रोड्यूस इन द शिले, जिसको चिले बोलते हैं, है ना, बोलिविया, अर्जेंटीना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम ट्राइंगल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड US भी करता है, तो राइट। इंडिया में लिथियम की बात करें तो इसे क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल, किसके अंदर, अंडर माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, जो सॉरी अमेंडमेंट एक्ट 2023। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आने की बहुत आशंका है। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर दी एलिमेंट दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द असेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, और बहुत रिस्क
prioritize is to supply chain disruptions. है ना, तो इसे करंटली इंडिया मीट्स द लिथियम डिमांड थ्रू 100% इंपोर्ट मोस्टली फ्रॉम चाइना एंड हांगकॉन्ग, यानी कि हमारे नहीं निकल रहे हैं अभी, तो हम 100% इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए? तो हम यहाँ पर आ जाएगा कि इंडिया सफिशियंट है, इंडिया निकाल रहा है अपने, प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं हम नहीं बना रहे, हम खरीद रहे हैं सारा। तो गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग, हम कर रहे हैं कि भाई इंडिजीनियस प्रोडक्शन से हो जाए तो बढ़िया, ठीक है। चैलेंजेस तो लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड इसका होता है, एक्सट्रैक्शन चैलेंज है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ह्यूमन राइट इश्यूज, टेक्निकल सोशल, ठीक ओके। अब यहाँ पर देखो ये इनिशिएटिव जो किए गए हैं इंडिया में लिथियम को लेकर के, तो काबिल बनाई गई थी 2019 में इसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा मत रखो। ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हमने की थी, उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व को एक्सप्लोर करने की बात करी। सिंपल यूसेज देख लो लिथियम का, तो रिचार्जेबल बैटरीज, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज बना सकते हैं, मैग्नीशियम लिथियम एलॉयज, एल्यूमिनियम लिथियम एलॉयज, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम स्टे, अगर हम बात करें स्टीराइड, ठीक है, तो ये सब चीजों में काम आते हैं। तो जैसे स्पेशल ग्लास, ग्लास सिरेमिक्स, है ना, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, एयर कंडीशनिंग, ऑल पर्पस हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, तो बहुत बार पूछे गया है कि भाई इसमें ये काम हो सकता है, कि ये हो सकता है, ये सब चीजें। तो कौन कौन सी मेजर कंट्रीज हैं जिसमें यहाँ पर लिथियम रिजर्व्स हैं? तो इंडिया इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया में ये है। तो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे बोलीविया में, फिर चिले में, फिर अर्जेंटीना में, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना ये सब। ग्राफेन की बात करते हैं, ग्राफेन तो माइटी ने क्या किया अभी कि इन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया फॉर दी इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड किचन सेंसर्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट ग्राफेन सेंटर बनाया गया है केरला में, ठीक है ओके। तो बेसिकली अभी को ग्राफेन के बारे में जान लो, ग्राफेन क्या होता है, तो ग्राफेन इज बेसिकली, सॉरी ओके, ग्राफेन इज बेसिकली अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रेफाइट, है ना, तो मटेरियल फाउंड जो कि पेंसिल में मिलता है ना, पेंसिल की नुक किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। तो अब जैसे 1 मिलीमीटर ऑफ ग्रेफाइट में 3 मिलियन लेयर्स ऑफ ग्राफेन देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये इट्स अ 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल लैटाइस लाइक अ हनीकॉम, कभी देखना वीडियो में देखना कभी, बेसिकली बहुत बार बताया गया है ग्रेफाइट को, ग्रेफोन इसको पेंसिल के टिप के इस्तेमाल करते हुए 2 डिमेंशनल फॉर्म होते हैं इसके, एलोट्रोपिक कार्बन, ये सब चीज। ग्रेफाइन इज बेसिकली इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग आइदर इंटरकैलेटेड ग्रेफाइट, कोल टार या फिर शेलेक और अ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर, क्या बोला, इनर्ट एटमोस्फेयर, ठीक है प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल है, 200 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड 6 टाइम लाइटर, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होता है एंड लाइटर भी होता है, तो हाई टर्मिनल कंडक्टिविटी इसकी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, हाई सरफेस एरिया है, इम्परमिएबल है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, लार्ज सरफेस एरिया है, केमिकल स्टेबिलिटी है, बायो कंपैटिबिलिटी है, बेसिकली दिस प्रॉपर्टी मेक ग्राफेन सुटेबल फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अब देख ले, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, कंड्यूसिव फिल्म्स, है ना, मटेरियल री इन्फोर्समेंट में हम काम कर सकते हैं, थर्मल थर्मल सेंसर्स, बायोमेडिकल डिवाइसेस, वाटर फिल्टरेशन, कोटिंग एंड फिल्म, लाइट वेट मटीरियल्स, ये सब बनाने में काम करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ओके इसको देखते हैं, तो बहुत डिमांड आई है बेसिकली इस चीज की। तो ये क्या है, दिस अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स विच आर इंटीग्रेटेड इन टू व्हीकल्स टू एनहेंस द ड्राइवर सेफ्टी, इंप्रूव व्हीकल परफॉर्मेंस, सब पता है यार ये सब चीजें। तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें सेंसर्स, कैमरा, रेडार्स वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। तो टाइप्स, तो उसका एक्टिव एडीडीएस अडास बोल देते हैं, एंड पैसिव अडास, तो एक्टिवली इंटरवीन करते हैं कि क्रिटिकल ड्राइविंग सिचुएशंस में आने के टाइम पे क्या होता है, जैसे कोलिजन हो गया है ना, तो उस सब चीज टाइम पे, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो आपके एयर बैग्स होते हैं वो सब। पैसिवली अडास की अगर बात करें, तो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट इन टू ड्राइवर विदाउट डायरेक्टली इंटरवीनिंग, यानी कि वो पहले बता देगा सेंसर से कि भाई इस तरह की चीज है। तो इसे ये है ना, ये सब चीजें जैसे ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, तो ये सब इसी का काम है, तो बड़ा जबरदस्त ये है, ठीक है ओके। तो चैलेंजेस वगैरह स्टेप वगैरह आप देख लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसके, मैं नहीं बता रहा। इंडक्शन चार्जिंग क्या होती है, तो इट्स अ बिट टू बूस्ट ई मोबिलिटी इंडिया में, एंड जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, डुअल नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर हम काम करने की बात कर रहे हैं कि भाई चार्जिंग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ाएं उसको, इंडक्शन। तो बेसिकली इससे वायरलेस चार्जिंग होगी,
is known as the wireless charging, is a method of charging in which the electromagnetic fields are used to transfer energy between two coils without the need of the physical connection. ठीक है, तार वायर के इस्तेमाल नहीं करना हुआ है. अच्छा देखिए, होगा क्या, कुछ भी नहीं है. देखिए ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं पढ़ना. ये पढ़ लीजिए, एक होता है ट्रांसमिटिंग से कॉइल, एक होता है रिसीविंग कॉइल, ये भी नहीं पढ़ना. वो बताता हूँ, एक होता है ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर हो गया है ना, ये एक कार के अंदर लगा रहेगा आपका रिसीवर है ना. जैसे आपके आईफोन नहीं होता है क्या, आईफोन में भी तो ये होता है वायरलेस में. ठीक है, तो वहां पर भी आप चार्जर के ऊपर रख दीजिए मोबाइल आपका, तो हो जाएगा. तो कार को बेसिकली इसके ऊपर रख दीजिए तो ये भी चार्ज जाएगा. तो चार्जिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम आपके कार में होता है, यानी पावर सोर्स होता है बेसिकली, जो ट्रांसमिटिंग कॉइल को कनेक्ट करके रखता है. यही था बस. बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के, हजार बार बता चुका हूँ चैनल पे, हजार बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है सर. तो फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रेवेलेंट सर्वे निकाला एंटीबायोटिक यूज का. तो इतना खतरनाक, जितनी बार मैंने पढ़ा नहीं है ना, उससे 1000 टाइम्स गुना खराब ये चीज आपकी चल रही है. तो सर्वे किया गया है बेसिकली इसको लेकर के, कि भाई जो एम्पेरिकल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, 94% ऑफ द पेशेंट्स सर्वेड वर गिवन एंटीबायोटिक बिफोर मेडिकल डायग्नोसिस, और इन्फेक्शन के कोर्स के बिना ही दिए जाते हैं. समझ गए, प्रिवेंटिव यूसेज के लिए 55%, तो इसलिए ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स की प्रिवेंटिव इंडिकेशन दिख रहे हैं बेसिकली हो सकती है हमको. 45% थेरापेटिक इंडिकेशन के लिए ले रहे हैं. हाई प्रिवेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक यूसेज, तो 71% लोग बेसिकली एंटीबायोटिक का यूसेज कर रहे हैं भारी मात्रा में. तो ये है, तो बस ये सब चीजें हैं. उसके अलावा ओनली 8 out of 20 इंस्टीट्यूट सर्वे दी एंटीबायोटिक, ये सब छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये आपके न्यू दिल्ली में है. तो या दिस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कंट्रोलिंग द कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड लेटर ट्रांसफर्ड इनटू द एनसीडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है आपके, सिंपल है. तो बस वही सब चीजें हैं. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, हजार बार बता चुका हूँ. तो हैव जब जर्म्स लाइक बैक्टीरिया फंजाई डेवलप एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स, है ना, जैसे उनको मारने के लिए निकाली गई है बेसिकली, कोई ड्रग बनाई है लेकिन वो फिर उसी को मार देते हैं. सॉरी फॉर दिस, मतलब अपने आप में इतनी कैपेबल रेजिस्टेंट कर लेते हैं डेवलप, कि भाई वो एंटी जो ड्रग्स बेसिकली बनाया गया उसके लिए, उसके खिलाफ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मॉस्किटोज होते हैं, हजार बार बता चुका हूँ, मैं खुद बोर हो चुका हूँ इससे यार, खुद बोर हो चुका हूँ मैं तो सब चीजें बता बता के बार बार. तो रीजन क्या होते हैं, ओवर यूज एंड मिस यूज है ना. उसके बाद पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर में, उसके अलावा एफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज सेटलमेंट्स, कंफ्यूजन ओवर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इम्प्लीकेशन हेल्थ केयर पे, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इंक्रीज रिस्क ऑफ आउटब्रेक्स, लिमिटेड न्यू ऑप्शन है इसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, ये सब चीजें. ठीक है, ओके. तो क्या किया है अभी तक, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एएमआर कंटेनमेंट लेकर के आ गए थे 2012 से 17 तक, 12th 5 ईयर प्लान के अंदर. उसके अलावा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में. नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर 2017 में ही आया, ठीक है, इसमें वेरियस मिनिस्ट्री वगैरह इसके अंदर है. नेशनल एएमआर सर्विलियंस नेटवर्क ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज लैब्स, रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, बैन ऑन इनअप्रोप्रिएट फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ऑपरेशन अमृत, ये सब चीजें हैं. ग्लोबल ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड यूज सर्विलियंस सिस्टम्स, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, तो ये सब चीजें हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स की बात करें, तो अभी ऊपर पढ़ा हमने, ये देखिए है ना, ये रहा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन. समझ गया आप, ऐसे होती है कनेक्शन. ठीक है, तो पुराना भूलना नहीं है आने वाले आगे वाले टाइम पे. तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड कंपनीज टू मैन्युफैक्चर एंड मार्क 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दैट वर बैंड लास्ट ईयर. समझ गए, तो उसको बढ़ा दिया, बताइए. तो दीज 5 ड्रग्स वर अलाउड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल विद सर्टेन कंडीशन, जो सेफ्टी एफिकेसी ये सब चीजें इसके अंदर रहेगी. ठीक है, तो सिंपल है यार, एज पर द रूल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, तो दीज आर द प्रोडक्ट कंटेनिंग टू और मोर एक्टिव इंग्रीडियंट्स यूज फॉर पर्टिकुलर इंडिकेशन, है ना. जैसे बहुत बार आपने सुना होगा आपके पास के मेडिकल वाले भाई साहब जो है, जो मेडिकल वाले भैया है ना, वो ऐसा डोज देते हैं, वो ऐसा डोज देंगे आपकी जुकाम बेसिकली या फिर खांसी जो भी कोल्ड वगैरह हो रहा होगा खत्म हो जाएगा. तो वो क्या देते हैं, वो यही डोज बना करके देते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन तो होता नहीं है. कहते हैं ना बहुत बार, या कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिकल से ले लेंगे, तो वो ये सब चीजें बड़ा दिक्कत है, ये सब चीजें. समझ रहे हो आप, तो अभी क्यों इसको बेसिकली कराया गया है. तो इट्स बेसिकली एफडीसी इज अ न्यू ड्रग व्हेन इट मीट्स टू कंडीशन, तो इट कंबाइंस टू और मोर ड्रग्स ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर इंडिविजुअल यूज इन अ फिक्स्ड रेशियो. एंड बस वही सब चीजें यार, रेगुलेशन वगैरह बढ़ा दी, छोड़ो छोड़ो है ना, ये सब चीजें. तो इम्प्रूव पेशेंट कन्वीनियंस, ये सब चीजें. इश्यूज क्या है, तो लेक ऑफ इंडिविजुअल डोज, फ्लेक्सिबिलिटी, एक के लिए बना दिया गया है ना, तो जनरल पब्लिक के लिए बना दिया गया, लेकिन किसी को कोई दिक्कत हुई फिर क्या कर लोगे, है ना. तो वही सब चीजें. तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है आपके फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंदर आती है, एंड हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मेजर फंक्शन वो रेगुलेटरी करती है, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, मीटिंग ऑफ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये सब चीजें। एक नाम बेसिकली सामने आया बे ऑफ स्टिकीनेस, तो बेसिकली इट्स इसको असाइनस विस्कोटिस हम बात करते हैं, विस्कोसी टैटिस बोला जा रहा है। ये एक मून पर एक एरिया है विच लाइज एडजेसेंट टू दी आपकी, जिसको हम ओशन ऑफ स्टॉर्म बोलते हैं, समझ। रिसेंटली क्या हुआ, जापान ने अपना स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम स्लिम था वो मून पर उतारा, ठीक है। तो जापान फिफ्थ कंट्री बन चुका है ये करने वाला, ठीक है। तो इंडिया ने कर चुके हैं, यूएस कर चुका है, रशिया कर चुका है, चाइना कर चुका है, जापान ने भी कर दिखाया, ठीक है। तो इट्स अ पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी जिसमें ये मून स्नाइपर जिसका नाम दिया है, तो ये नए झंडे वहां पे गाड़ेंगे, है ना। हाँ तो बस वही सब चीजें हैं। ओके G7 20 की बात करें तो इट्स इंडिया टू यूज स्पेस एक्स फैलकॉन 9 रॉकेट टू लॉन्च दी G7 20 एन आपके 2024 में। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये लॉन्च करेगी सबसे पहली बार स्पेस एक्स रॉकेट, ठीक है, G7 20। यहाँ पर हम बात करते हैं तो कैब एंड सैटेलाइट है ये, विच इज फुली ओन ऑपरेटेड एंड फंडेड बाई दी NSIL, ठीक है ये, ठीक है। तो इस तरीके से तो 2019 में ये बनाई गई थी, इट्स अ कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो, दिस इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ओके रिसेंटली देखा गया किलोनोवा एक्सप्लोजन इज अ मैथड डेवलप अ मैथड टू मॉडल दी किलोनोवा। सो किलोनोवा एक्सप्लोजन इज अ ब्राइट ब्लास्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट हैपेंस व्हेन टू न्यूट्रॉन स्टार्स और अ न्यूट्रॉन स्टार एंड स्टेलर मास ब्लैक होल कोलाइड एंड मर्ज। न्यूट्रॉन स्टार से क्वेश्चन आया था, व्हेन अ स्टार हैविंग अ मास मोर देन 1.44 टाइम्स ऑफ द सन, जो कि चंद्रशेखर लिमिट है। क्या बोला मैंने, चंद्रशेखर लिमिट, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ब्लॉज ऑफ इट्स गैसियस एनवलप इन टू अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, देन दीज आर अमंग द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट इन द कॉस्मोस, ठीक है। कैमेलियन ट्रोजन की बात करें तो इट्स अ न्यू मालवेयर, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है ये, तो ट्रोजन ही है, ठीक है। तो एंड्रॉइड एप्स के थ्रू ये सब बेसिकली जा सकते हैं, फोन के पिन वगैरह उड़ा सकते हैं, ठीक है। स्पेस एक्स का अमेरिकन कंपनी है, पता ही है किसकी है। तो डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज, ये सैटेलाइट को बेसिकली उससे रिलेटेड, डायरेक्ट टू सेल मतलब ये सैटेलाइट्स हैव एन एडवांस्ड मॉडर्न ऑन बोर्ड एक्ट्स लाइक सेल फोन टावर इन स्पेस, यहाँ पर मतलब वहां पर खड़ो के बात कर सकते हो। हाँ अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीज है कि हैवी श्योर करके यहाँ पे नाम हैवी श्योर इंडिया। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड है वैक्सीन है ये, हेपेटाइटिस ए के लिए। क्या बोला मैंने, हेपेटाइटिस ए के लिए, क्या हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है क्या? इट इज इनक्योरेबल अभी तक, तो जैसे बाकी बीमारियां हैं HIV वगैरह है उसको। तो ये बेसिकली इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। ओके तो इट्स अ टू डोज वैक्सीन, फर्स्ट डोज इज एडमिनिस्टर्ड अबव द 12 मंथ ऑफ एज एंड सेकेंड आपके एटलीस्ट आफ्टर द डोज इज गिवन एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज, ठीक है। तो इस सब तो हेपेटाइटिस क्या होती है, हेपेटाइटिस आपके एक इन्फ्लेमेशन होता है लिवर में, सूजन है ना, दैट इज कॉज्ड बाय आपके वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस वर्जन वायरसेस एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, तो ABCDE तो पढ़ लो उसके बारे में। ए बेसिकली इंजेशन ऑफ अ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि मान लीजिए अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, तो आपने देखा है बहुत सी जगह पे जो स्लम एरिया में रहते हैं जहां पर पानी प्रदूषण बड़ा भयंकर है ना, कभी जाकर के देखना, मैंने तो पढ़ाया बच्चों को वहां पर, है ना। तो कभी जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां पर उन लोगों बहुत पीड़ित है वो हेपेटाइटिस ए से, ठीक है। तो अब इसका वैक्सीन है, मैं तो वैक्सीन तो है पहले से भी, हेपेटाइटिस बी नहीं सॉरी, ओके तो वो हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा था मैं, जो हेपेटाइटिस बी है ना इसकी भी वैक्सीन है, एंड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड सलाइवा सीमेंस है ना, इसके थ्रू ये फैल सकती है बेसिकली। तो मदर टू अ चाइल्ड भी फैल सकती है, अनसेफ इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं हेपेटाइटिस बी उससे हो सकता है। हेपेटाइटिस सी तो कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड थ्रू शेयरिंग नीडल्स सिरिंजेस ये सब चीजें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम। तो नो वैक्सीन अवेलेबल, करंट ट्रीटमेंट इज ओनली थ्रू द एंटी वायरल वैक्सीन है ना। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस डी की, तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस बी उन्हीं लोगों को होता ही है, वैक्सीन है इसकी। एंड ये आपके ई जो होता है फीकल ओरल रूट प्रिंसिपली वाया कंटामिनेटेड वाटर, ये भी वैक्सीन इसकी है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी की नहीं है एक्चुअली। ओके तो हमने क्या किया, नेशनल वाइटल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लेकर के आए हम, ठीक
है ना, ताकि हेपेटाइटिस सी को तो एटलीस्ट उड़ा दे इंडिया में से, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, तो इसमें हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड वैक्सीनेशन है ना, अलोंग विद अदर सेवन अदर इन्फेक्शन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी हम मनाते हैं 28 जुलाई को, है ना। तो ये सब चीजें नेक्स्ट देखें। बात करें तो ग्लोबल रिपोर्ट निकाली गई है और द ट्रेंड प्रिवेलेंस ऑफ द तंबाकू यूज 2000 से लेकर के 2030 की, तो WHO ने निकाली है। किसने निकाली? WHO ने। किसने? WHO ने। WHO टबाको, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो 1.2 बिलियन लोग हैं, सोचिएगा धरती पर 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से 1.2 बिलियन अडल्ट तंबाकू के यूजर्स हैं, बताइए। एंड आई एम श्योर इंडिया में सबसे ज्यादा है, या ठीक है। तो मेजर टंबाकू प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर इंडिया में, तो इंडिया में लगभग देखिए 267 मिलियन एडल्ट 15 साल से ज्यादा है, ओके। तो गुजरात, आंध्र, यूपी, कर्नाटका, तो इस ड्रॉट टॉलरेंट हार्डी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, पता है आपको तो तंबाकू क्या है, क्या करता है, इंडिया में रहते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है, है ना। ओके, तो इट बेसिकली किल्स मोर देन 8 मिल, 80 लाख लोग मार देता है हर साल ये, ड्यू टू इसको हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर वगैरह सब। तो इंडियन इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल दी तंबाकू, तो हमने नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उड़ा दी थी, ये सब चीजें हम करते हैं, ओके। डिजीज एक्स क्या है? तो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेट टू बिगिन अ सेशन ऑन नोवेल डिजीज एक्स, तो इट्स अ थियोरेटिकल टर्म है। एक्स रिफर्स टू द अनएक्सपेक्टेड, वेरी गुड वेरी गुड, नोवेल नाम से पता चल रहा है ये अनएक्सपेक्टेड डिजीज है, मतलब इन फ्यूचर अगर कभी आई फिर, तो मान लीजिए अननोन पैथोजन है कोई, है ना, और कोई सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक लेकर के आ गया फिर, तो जैसे इबोला, जिका, है ना, कोरोना, ये सब चीजें हैं, तो ये खतरनाक चीजें हैं, ओके। तो लेप्रोसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नया बेसिकली न्यू ट्रीटमेंट निकालने की यहाँ पर बात करी है। तो लेप्रोसी क्या होती है? इट्स हैंसन डिसीज, तो क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, विच इज कॉज बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको माइक्रो बैक्टीरियम लेपर बोलते हैं। तो स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकस ऑफ अपर, समझ गया आप, नाक, मतलब जो नोजल एरिया होता है वहां पे होता है म्यूकस, ओके। तो ड्रॉपलेट्स होते हैं फ्रॉम द नोज माउथ, है ना, और अनट्रीटेड केसेस अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो लेप्रोसी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्योरेबल है ये विद मल्टी ड्रग थेरेपी, क्लासिफाइड पॉसी बैसिलेट्री बैसिलरी टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड मल्टी बैसिलरी पेशेंट्स होते हैं इसके, अलग अलग तरीके से। स्टेप्स तो हमने काफी कुछ लिए हैं, तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था हमने इसको लेकर के, उसके अलावा नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, है ना, निकुष्ट इसको हिंदी में बोलते हैं 2.0 पोर्टल, तो वो सब चीजें। तो हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब हैं इसको खत्म करने की तरफ। तो WHO की क्राइटेरिया के थ्रू हम 1 केस पर 10,000 में, अगर हम नेशनल लेवल 2005 की अगर हम बात करें तो वहां तक पहुंच चुके हैं, तो अभी हम और करना है काम, तो लेकिन हो जाएगा, ठीक है। बात देखते हैं बबल बेबी सिंड्रोम, ये क्या भी है? तो 2 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल है, डायग्नोज विद BBS, बिकम द यंगेस्ट गर्ल टू रिसीव द बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ वॉलंटरी डोनर। तो इट्स बेसिकली मेडिकली सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, इट्स रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, अफेक्ट इम्यून सिस्टम, बस ये सब चीजें हैं। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी की बात करिए, तो इट्स जनरेटेड फ्रॉम द स्टील फर्नेस, बर्निंग इनटू द फॉर्म ऑफ मोल्टन फ्लक्स मटेरियल एज एन इम्प्योरिटी। रोड में बेसिकली काम करने की बात करिए, तो उसमें तो स्टील स्लैग क्या होता है? इट्स नॉन मेटेलिक ग्लासी मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड्स होते हैं, हाईलाइट कर लो इसको, लगा लो इस पे चांद सितारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टील स्लेग का इस्तेमाल किए थे, यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन भी, प्रोसेस टू रिमूव द इंप्योरिटीज एंड मेटल कंटेंट इसमें, तो द रोड इंक्लूड बिटुमिनस एंड सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लेग, तो उसमें ये सही रहता है। अच्छा बात करते हैं कल्चर की, ये कंप्लीट आपका। अब बात करते हैं मिताक्षरा की, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सांस ले लो चाय पानी पियाओ, ठीक है, लेकिन वापस से पढ़ लो यार आ करके, ठीक है, गैप मत दो, छोड़ करके जाओ मत, पूरा कंप्लीट करके जाना सेशन, ठीक है। अच्छा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो इन्होंने कहा कि चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज आर लेजिटिमेट फॉर द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, है ना, एंड विच रिकॉग्नाइज मिताक्षरा लॉ, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी रिकॉग्नाइज करता है उसको, ठीक है। तो ऐसे चिल्ड्रंस को ट्रीटेड एज एन एक्सटेंडेड फैमिली फॉर ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर ऑल्सो, तो ये करा जाएगा। और मिताक्षरा लॉ क्या होता है? तो इट इज वन ऑफ द 2 मेजर हिंदू लॉ स्कूल्स का पार्ट है, वन ऑफ द वन वन ऑफ द अदर बीइंग इज आपके दया भाग। तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्या? अरे मुझे याद आ रहा है क्या? बिल्कुल क्वेश्चन है सरन मैम, है ना, तो पिछले 5 सालों में ये किसी न किसी में तो आपके आया है ना, दया भाग दैट गवर्न्स द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन हिंदू फैमिलीज। अब ये समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉमेंट्री ऑन
आपका जो यज्ञवल्क्य स्मृति होती है रिटन बाय आपके विजनेश्वरा इन द 12th सेंचुरी, ठीक है, विजनेश्वरा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यज्ञवल्क्य स्मृति। इट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोपरा सेनेरी, क्या बोलते हैं इसको, कोपरा सेनेरी, विच मीन्स कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जॉइंटली हेल्ड बाय ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, दे हैव इक्वल राइट ऑन द प्रॉपर्टी। तो कोपरा सेनेरी क्या होता है, इट हैज नो एब्सोल्यूट राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर बिकॉज हिज शेयर इज नॉट डिपेंडेंट और एसर्टेनेबल एज देयर शेयर फ्लक्चुएट विद देयर बर्थ एंड डेथ ऑफ द कॉपर सेनेरी। तो इसमें क्या होता है, वुमेन कुड नेवर बिकम अ कॉपर सेनेरी, तो वुमेन्स को नहीं मिल सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में क्या कहा गया, अमेंडमेंट किया गया था कि इसने वुमेन्स को भी एम्पावर कर दिया एज टू बिकम अ कॉपर सेनर लाइक मेल्स इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि अब वुमेन्स को भी हक मिल गया 2005 में हुई। तो इट इज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द इंडिया एंड एक्सेप्ट इन सम ईस्टर्न पार्ट, जैसे वहां पर दया भाग लगता है, अब बताऊंगा दया भाग क्या होता है। दे आर फोर सब स्कूल्स ऑफ द मिताक्षर लो, तो द्रविडियन, मद्रास स्कूल, महाराष्ट्र, बनारस, मिथिला, पंजाब, दया भाग देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है ऐसी चीजें पढ़ने में कल्चर से रिलेटेड, एंड जब इसको लीगली हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट इज बेस्ड मेनली ऑन द आपकी यज्ञ वाक्य की स्मृति, सिंपल, जो जिसको किसने लिखा है, आपका जिमुतु वाहन, किसने, जिमुतु वाहन, इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल, इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल बेनिफिट, इट अराइजेस फ्रॉम द पिंडा ऑफरिंग, ठीक है, जैसे राइस बोल ऑफरिंग टू द डिसीज एंसेस्टर्स, सब चीज। तो फॉलोड इन बंगाल एंड सब पार्ट ऑफ द असम ओनली, नो सब स्कूल। तो मिताक्षरा इसमें डिफरेंस क्या है कॉपर सेनेरी राइट्स को लेकर के, तो मिताक्षरा जो है ना ऑर्थोडॉक्स, ये आपका रिफॉर्मिस्ट है। राइट ऑफ अ सन बाय बर्थ इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ टू दिस फादर, तो सन इज एंटाइटल टू हिज ओनली ओनली ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सन बिकम्स द कॉपर सेनेरी राइट्स आफ्टर हिज बर्थ, सन बिकम्स द कॉपर सेनेरी बाय द डेथ ऑफ हिज फादर। कॉपर सेनेरी राइट्स जो होते हैं इन इज एप्लीकेबल टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, तो फादर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन हिज लाइफ टाइम। तो वन कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू द थर्ड पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, देयर शेयर इज नॉट डिफाइंड और एसेट, इसमें वन कैन ट्रांसफर देयर शेयर एंड एज दे आर डिफाइंड, ओके, ठीक है। तो उसके बाद के तो सपिंदा मैरिज क्या होती है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सपिंदा बिटवीन मैरिज बिटवीन सपिंदा अंडर द मैरिज एक्ट, है ना। तो द कोर्ट सेड कि इफ द चॉइस ऑफ अ पार्टनर इन अ मैरिज इज लेफ्ट अनरेगुलेटेड एंड इनसेंटियस रिलेशनशिप में गेन लेजिटिमेसी। तो सपिंदास क्या होते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसको एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट टू द मदर एंड फिफ्थ जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ द एसेंट टू द फादर, सो द लाइन ट्रेस्ड अपवर्ड इन केस फ्रॉम द पर्सन कंसर्न हु इज काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन, टू पर्सन आर सेड टू बी सपिंदास ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियल एसेंडेंट टू द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ द सपिंदा रिलेशनशिप एंड दे हैव अ कॉमन लीनियल एसेंडेंट। तो यानी कि समझ लीजिए आप, ये वो वाली मैरिज साउथ इंडिया में बहुत होती है, इंडिया वाली मैरिज होती है जिसमें लीनियज कहीं ना कहीं आपके जाकर के मिल जाती है ऊपर, ठीक है। तो वो सब चीजें, तभी तो गोत्रा सिस्टम बनाया गया इंडिया में। GI को लेकर के बात करें तो अभी ओडिशा को मिला है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो लांजिया सोरा पैंटिंग, डोंगरिया कौंड शोल, खजूरिया घोड़ा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा सारे चीजें इनको यहाँ पर दिए गए। अरुणाचल प्रदेश हैंडमेड कारपेट्स, वांचू वुडन क्राफ्ट आदि के किर, वेस्ट बंगाल से गरम्बा, सॉरी वेस्ट बंगाल की बात करें तो तंगाली साड़ी, गरड़ साड़ी, कोरायल साड़ी, है ना, कलुचुनियन, ये सब चीजें, सुंदर बनहनी, जम्मू कश्मीर से रामबाण, अनारदाना, गुजरात में आपके कच्ची खरेक। लिपाक्षी टेम्पल की बात कर लें, बहुत जबरदस्त है ये, बड़ा जबरदस्त है, अभी हम वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, हो जाएंगे वहाँ पे एक दो दिन में, तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। लिपाक्षी टेम्पल की बात करते हैं तो ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, 16th सेंचुरी में विजयनगर अंपायर के अंदर भी बना था ये लिपाक्षी टेम्पल, बिल्ट इन द त्रिकुटा स्टाइल, यहाँ पर तीन श्राइन्स हैं, एक तो वीरभद्र की है ना, और उसके अलावा पापन श्वेरा एंड रघुनाथ, नोटेड नोटेड फॉर द लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी है यहाँ पर, तो किसने बनाई थी वो नागशिवा लिंगज को हम बोलते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, फ्रेस्को मतलब जो सीलिंग्स वॉल्स वगैरह पे की जाती है, मंडप टैपिक्स इलस्ट्रेशन ऑफ रामायण महाभारत, ये सब चीज है, ठीक है। तो ये यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, ठीक है। तो लिपाक्षी याद रखिएगा, गुरु वयूर टेम्पल, तो ये कहाँ पर बना है, इज नोन एज द द्वारका ऑफ द साउथ, लॉर्ड विष्णु को डेपिक्ट किया है यहाँ पर, डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ओके कौन से स्टोन, पतला अंजना, ये सब चीजें हैं, और 1931 में सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड अंडर द कलप्पन केरला गांधी, तो इसी टेंपल की वो बात थी। तो ट्रावणकोर का जो टेंपल एंट्री मूवमेंट है वो इसी को है,
यहाँ पर एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। बात करते हैं श्री कालाराम मंदिर, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया ये कहाँ पर आपके, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी, नासिक में है ये। तो 1782 में सरदार रंगराव ओडेकर ने बनाया था ये साइट ऑन ऑफ एन ओल्ड वुडन टेम्पल, ठीक है। ये इसके कि लॉर्ड रामा वॉज लिव्ड हियर फॉर सम टाइम। ब्लैक स्टेच्यू द लॉन्ग रंग लॉर्ड राम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर डिवाइनिंग टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित फॉर मोर देन 90, तो यही है वो साइट बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तो ऑल्सो नोन एज दाके त्रिरंगा तिरुपति टू रंगनाथ, डेडिकेटेड टू द रंगनाथ रिचु टू ये लॉर्ड विष्णु। तो द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है ये आपके। 21 स्कल्पचर्ड गोपुरम से हैं, 50 सब श्राइन है, 9 सीक्रेट पूल्स हैं, टैंक्स, सप्तप्रक्रम फॉर्मेशन, 108 वन ऑफ द 108 दिव्य देशम है जो कि लॉर्ड विष्णु के पास है। कहाँ पर है, श्रीरंगम आइलैंड में है, कावेरी एंड कोलिदम बेसिकली ट्रिब्यूट टू द कावेरी रिवर्स, ये आपको देखने को मिलेगी। वडनगर ज्वाइंट स्टडी हुई है IIT की, ह्यूमन सेटलमेंट एविडेंस देखने को मिले हैं वडनगर गुजरात से 800 CE के। तो इसे लेटर वैदिक और प्री बुद्धिस्ट महाजनपदा से नौलिया की रिपब्लिक एरा की है। तो ये टेंटेटिव लिस्ट में तो वैसे भी है ये, एंड मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस साइट है, सन टेम्पल है मोडेरा का, मतलब उसी के पास में है। हिस्टोरिक साइट तो आपके हथकेश्वर टेम्पल एंड आपके शमिष्ठ लेक यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूना गोर काउस ये क्या होती है, तो पूना गोर काउस रेयर ब्रीड ऑफ कैटल, ये आपके चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ये है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड, तो ये वन ऑफ द इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है। और कौन सी इंडिजीनियस ब्रीड से इंडिया में देखने को मिलती है, तो साहिवाल, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो साहिवाल कहाँ पर आपके देखने को मिलती है, पंजाब राजस्थान में, रेड संधि आप ओडिशा तमिलनाडु कर्नाटका सिंधी, तो भाग मत जाना इससे, ओडिशा तमिलनाडु कर्नाटका गिर गुजरात डेफिनेटली, तो दियोनी महाराष्ट्र कर्नाटका। अच्छा आपको याद रखना है ना इनको, एक एक बार गूगल खोलो सर्च मारो याद हो जाएगी अपने आप। थारापकर संचोरी राठी एंड नागोरी राजस्थान, ओंगोले ओंगोल या ओंगले जो भी है आंध्र प्रदेश, कांगरेज आपकी गुजरात, मालवी निमारी मध्य प्रदेश, हलिकर मलगढ़ एंड अमृत महल आपके कर्नाटका। वर्ली ट्राइब की बात करें तो वर्ली ट्राइब है सेट अप एन एग्जांपल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद लियोपार्ड्स नियर संजय गांधी नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, दे वर्शिप लियोपार्ड ऑल्सो, वाकोबा बोलते हैं एज अ डीटी। वर्ली ट्राइब्स की बात करें तो लार्जेस्ट ट्राइब है महाराष्ट्र रीजन में वर्ली ट्राइब्स, ठीक है। इनकी अपनी खुद की आर्ट भी है, ये रिवर्ली पे वो पेंटिंग समझ गया ये सब चीजें। तो 10th सेंचुरी की हम बात करें ये सब चीजें, तो जनरली टेक इंस्पिरेशन फॉर द नॉर्मल ट्राइब सराउंडिंग नेचुरल कलर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ब्रू ट्राइब की बात करें ओके, तो ब्रू ट्राइब लास्ट बेच ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजी परमानेंटली सेटल इन द त्रिपुरा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एग्रीमेंट किया था इनके साथ, किनके साथ, त्रिपुरा मिजोरम के साथ। तो ब्रू ट्राइब के होते हैं, इनको रियांग भी बोलते हैं, तो इंडिजीनियस है नॉर्थ ईस्ट रीजन के त्रिपुरा के मोस्टली वहां पर ये रहते हैं। उसके अलावा मिजोरम आसाम में भी देखने को मिलेंगे। फिर सब पीवीटीजी ऑल्सो क्या बोलते हैं, पीवीटीजी है ये, तो तिब्बतियन पीवीटीजी के बारे में अभी तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था और लास्ट में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेसन में मई में स्पेशली, ठीक है। खबुरु लैंग्वेज ये बोलते हैं, तिब्बतन बर्मन फैमिली से है, झूम कल्टिवेशन करते हैं, परफॉर्म दी होजागिरी डांस, तो ये भी पूछ लेंगे कि भाई होजागिरी डांस किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से, तो ये सब चीजें हैं। तो त्रिपुरा आसाम एंड कहाँ पर रहते हैं, मिजोरम में, लेकिन मोस्टली त्रिपुरा में, ठीक है। मंदिका लैंग्वेज की अगर हम बात करें, मांडिका मडिका मडिका, तो इट हैज ओनली टू स्पीकर्स, सिर्फ दो स्पीकर्स हैं, वो भी खत्म होने वाली है। मडिका इज स्पोकन बाय चकालिया कम्युनिटी कम्युनिटी एंड हैज नो स्क्रिप्ट एंड इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी आपके हवाया का कन्नड़ यानी कि ओड कर्नाटका जो है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ तेलुगु तुल्लू कन्नाडा एंड मलयालम, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। वेस्ट बंगाल नोटिफाइड स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, तो पोलिया पोशाक इज ए स्टेट डे है एंड बांग्लार माटी बांग्लार जल इज ए स्टेट सॉन्ग। तो पोइला बोईशाख फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द बैसाख होता है, बैसाख की बात कर रहे हैं, इसको बांग्ला दिवस कहा गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एंड 2023 में सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 15 को। तो इसके बांग्लार माटी बांग्लार जल किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, क्या बोला मैंने, स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पर, विजयवाड़ा में। तो 2006 फुट ब्रॉन्ज स्टेच्यू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लॉन्च की गई है, वर्ल्ड टॉलेस्ट अम्बेडकर की स्टेच्यू है। उसके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हमने पहले भी देखा था, ये गुजरात सरदार पटेल की, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी
तो ये हैदराबाद में की थी, रामानुजा स्टेच्यू ऑफ बिलीव, ये नाथ द्वारा में लॉर्ड शिवा की। इसके अलावा भी और कोई बाकी है क्या बताना मुझे, है ना? ओके, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देती है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये सब चीजें हैं। तो अवार्ड जैसे इसमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, इस तरीके से होती है। अब यहां से क्वेश्चन आया था पिछली बार 2023 में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर के, ठीक है? तो प्रेसिडेंट कन्वे करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड ये सब देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, ये कोच को मिलते हैं। ध्यानचंद अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों को मिलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सब इसमें दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये 19 चिल्ड्रन को दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि इसने ब्रेवरी दिखाई, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, सोशल इनोवेशन, स्पोर्ट वगैरह, साइंस टेक में ये करते हैं सब, ठीक है? तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये तो हम बहुत पहले भी देख चुके हैं। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस, ठीक है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, ये बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष बोस की, बस इतना याद रखो। हाँ, ओनली इंडियन नेशनल को है एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन को ये मिल सकता है। अच्छा, एक स्कीम के बारे में पढ़ लो, बस एक स्कीम पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक स्कीम के बारे में पढ़ाते हैं। ओके, देखिए तो सुकन्या समृद्धि योजना, अब इससे रिलेटेड क्या है बताऊं मैं आपको, कितनी जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट फॉर दी सुकन्या समृद्धि जो स्कीम हो, जो अकाउंट होते हैं, 8% से 8.2% कर दिया। बढ़िया चीज, अच्छी बात। तो ये बेसिकली प्रोवाइड टू स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गर्ल विच इज यूज टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ एजुकेशन मैरिज एक्सपेंसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है ये, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है ये, ना कि आप वो विमेन वगैरह को, ठीक है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन की ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बेसिकली स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर अ गर्ल चाइल्ड 2015 में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का पार्ट है। अकाउंट ओपन कराते हैं इसके अंदर पोस्ट ऑफिस में, नोटिफाइड ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक में। अकाउंट नेम होगा गर्ल चाइल्ड के नाम पर, है ना? फॉर द मैक्सिमम टू गर्ल चिल्ड्रन इन अ वन फैमिली, तो एक एक घर से दो लड़कियों का हो सकते हैं। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द कंट्री। इंटरेस्ट रेट बेसिकली कैलकुलेट की जाएगी कंपाउंड बेसिस पे, सिंपल चीज है यार, 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑन द मैरिज, जब मैच्योर हो जाएगा ये, फिर आप उसके पहले भी खुला सकते हैं बेसिकली, ठीक है? ओके, अगर प्री मेच्योर विड्रॉल करते, तो अगर 18 साल की हो गई वर्सन, तो शी कैन मेक अर्ली विड्रॉल ऑफ अप टू 50% ऑफ द बैलेंस ऑफ द हायर एजुकेशन, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी है, ये सब चीजें इसके अंदर आप देख रहे हैं। अच्छा, ये एक ऊपर स्कीम रह गई थी, बस उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, है ना? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, तो आदि से पता चल जाना चाहिए आपको। तो 5 ईयर्स 2026 तक है। तो रिवैम्प्ड वर्जन है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर ट्राइबल सर्विस की 2017। तो विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब चीजें हम देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके हैं, देख चुके हैं। इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये भी देख चुके हैं, कंप्लीट है भाई, ये कंप्लीट आपके, ठीक है? तो इसी के साथ सरन मैम, आई रेस्ट माई केस एंड सरन मैम, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जनवरी 2024 की मैगजीन है, विच इज अ हाई यील्ड सीरीज, राइट? इसी का पार्ट है ये। अब नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे फरवरी की, जब वीजन निकाल देगा, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल की मैक्सिमम हम करेंगे, ठीक है? लेकिन अच्छे से करेंगे जितना करेंगे, ठीक है? क्योंकि अच्छे से नहीं किया तो फिर क्या ही फायदा, है ना? तो बस इस तरीके से, तो बस स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अगले समझे, स्टे ट्यून्ड।